Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another game theory video. तो guys, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5. तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि last episode में हम लोगों ने लेस्टर के साथ मिलके लॉस सैंटोस के सबसे बड़े गैंगस्टर और अपने सबसे बड़े दुश्मन डगन बॉस को मास्टरमाइंड प्लान से एक बॉम्ब ब्लास्ट में मार डाला. और अब हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है. कोई भी हमारा दुश्मन अब जिंदा नहीं बचा है. और खैर, इतना कोई पावरफुल आदमी भी नहीं है जो हमसे पंगा ले पाए. खैर, मिलिट्री की बात अलग है, वो अलग पावरफुल है. बाकी यार, जो भी हो, उस बॉम्ब ब्लास्ट में डगन बॉस तो मारा ही गया, बट साथ में अपना एक बहुत खास दोस्त भी मारा गया. पर उसके मरने का मुझे इतना दुख नहीं है, क्योंकि वो खास तो था बट बहुत मतलबी था. आज नहीं तो कल वो हमें जरूर धोखा देता. उससे बढ़िया है कि वो मर ही गया. बाकी अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहां पर आ रखा हूं और मेरे हाथ में कौन सा ब्रीफ केस है. तो ये ब्रीफ केस मुझे उसी फ्रेंड ने दिया था जिसको हमने डगन बॉस के साथ ही मार दिया. अब पता नहीं इस ब्रीफ केस में उसने क्या दिया है. खैर, कुछ बहुत ज़्यादा खास ही होगा जो कि अभी मैं चल के इसे खोलूंगा. बाकी ये वाला जो घर है ये डगन बॉस का हुआ करता था, बट अभी ये बिग माफिया के भाई ने ले लिया है. मैं तो सोच रहा था कि ये घर मैं ले लूँ, बट लेस्टर ने में मना कर दिया कि इसी को लेने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. और अभी मुझे यहाँ से चलना होगा और साथ ही इससे कुछ इंपॉर्टेंट मुझे बात भी करनी है जो कि सच्ची में कुछ ज़्यादा खास है. ऑल राइट, तो डील के अकॉर्डिंग बिग माफिया के भाई ने मुझे पूरे के पूरे $1 million इस बैग में भर के दे दिए हैं. और यार, अभी मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, तो इसे लास्ट बाय बोलते हैं और यहाँ से चलते हैं. वेट, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर कौन से $1 million और कौन से डील की मैं बात कर रहा हूं. तो यार देखो, मैंने इसे साफ साफ बोल दिया है कि अगर अभी तुझे लॉस सैंटोस में अपना बिजनेस चलाना है तो हमारे नीचे काम करना होगा और हर महीने हमें $1 million पे करने ही होंगे बेमतलब के, जो कि ये लोग पहले हमारे साथ करते थे. और इससे हमारा बहुत ज्यादा फायदा रहेगा और साथ ही हम लोग बिग माफिया के बॉस रहेंगे, तो ये चीज़ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है. खैर, आप लोग एक बार यार इसके पास गाड़ियाँ देखो कितनी ज़्यादा है. हमारे पास भी यार इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ मेरे हिसाब से होनी चाहिए अपने पास अभी. ओ तेरी, वेट 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 वेट, मैं अपना एक बैग तो ऊपर उसके रूम में ही भुलाया, मुझे जल्दी से वो बैग लेकर आना होगा यार. और गाइस, आज तो वैसे भी साल का लास्ट डे है, तो पक्का एक न्यू ईयर पार्टी तो बनती है. और आज के दिन मेरे और भी काफी सारे प्लान्स हैं, बट उससे पहले ब्रीफ केस ले लेते हैं. चल भाई, बाय बाय, मिलते हैं सीधा अब नेक्स्ट मंथ, क्योंकि मैं दोबारा आने वाला हूँ यहाँ पर $1 million लेने के लिए. खैर, उसको इस बात का बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसे भी मालूम है अगर वो हमारे नीचे नहीं काम करेगा तो उसको भी बहुत ज्यादा खतरा है यहाँ के गुंडों से. अभी मेरे को ऐसा लगता है लोग बस हमसे ही डरने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अब कोई गैंगस्टर बचा ही नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था. बाकी यार, अभी यहाँ पर इसकी काफ़ी सारी गाड़ियाँ तो खड़ी है, बट मेरे हिसाब से ना मुझे इसकी जी वैगन में जाना चाहिए. ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, वाइट कलर की. जल्दी से अंदर चलते हैं, अपने बैग्स वगैरह भी अंदर ही रख देंगे. और भाई, एक तो ना पुलिस की साउंड सुन के ऐसा डर लगता है, क्योंकि अभी एक दो घंटे पहले ही हम लोग बहुत खतरनाक बॉम्ब ब्लास्ट करके आए हैं और ऐसा लगता है बस पुलिस हमें ही पकड़ने ना आ रही हो. खैर, सब कुछ ओके है, अभी हमें कैसे पकड़ लेगी यार. लेस्टर का मास्टरमाइंड प्लान था, ऐसे कैसे ढूंढ लेगी पुलिस. बाकी मैंने जैसा कि बताया था कि मेरे पास अभी आज के दिन काफ़ी सारे प्लान्स हैं, तो मैं सबसे पहले आपको प्लान्स बताता हूँ. यहाँ से सीधा मैं जाने वाला हूँ अभी रॉल्स रॉयस के शोरूम में, और हम लोग वहाँ पर जाके खरीदने वाले एक नई रॉयल कार, सबसे महंगा मॉडल या फिर सबसे लेटेस्ट मॉडल उठा लेंगे. खैर, रॉल्स रॉयस तो यार कोई भी हो, महंगी तो होगी. उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं एक नया घर खरीदने के लिए, क्योंकि जैसा कि आप लोग को, अबे यार, ये पुलिस वालों ने सायरन बजा बजा के लोगों की सबकी गाड़ियाँ रुकवा रखी है बीच रास्ते में. तो हाँ, अपना सेकेंड प्लान है एक नया घर खरीदने का, क्योंकि यार मेरे को ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हमारे नीचे जो बंदा काम कर रहा है उसके पास इतना बड़ा मेंशन है और हमारे पास वही छोटा पुराना घर. तो इसीलिए आज हम लोग एक नया क्या, लॉस सैंटोस का सबसे महंगा घर खरीदने वाले हैं. और फिर माइकल की फैमिली भी वापस आ रही है, तो उसको सरप्राइज देने के लिए हम लोग आज एक पार्टी भी करने वाले हैं उसी घर में. बाकी ये मेरी गलती नहीं थी यार, वो खुद ही मेरी गाड़ी में आकर ठुके हैं. और उनकी गाड़ी कहाँ चली गई और अपनी गाड़ी पर एक भी डेंट ही नहीं आया भाई, कसम से ये गाड़ी भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक है, फुल पावरफुल कार है. तो हाँ, पार्टी होने वाली है और पार्टी में भी अपने सारे दोस्तों को मैं बुलाने वाला हूँ. यार, आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा मस्ती भरा होने वाला है. दिन में एक नई गाड़ी, एक नया घर और रात में न्यू ईयर की मस्त पार्टी, वो भी नए वाले घर में नई गाड़ी के साथ. लेट्स गो, जल्दी से पहुँचते हैं इसीलिए शोरूम. बट हाँ, मुझे अपनी गोल्ड बिजनेस पे भी थोड़ा ध्यान रखना होगा. आप लोग को याद होगा कि डगन बॉस के पास एक बहुत बड़ी गोल्ड माइन शॉप थी जहाँ से वो गोल्ड माइन करके बेचता था, तो हमें उसी का बिजनेस आगे कंटिन्यू करना है ताकि हम लोग भी वहाँ से बहुत अच्छा खासा पैसा कमा पाएं.
बाकी अपना फरारी वाला शोरूम है वो तो ठीक ठाक चल ही रहा है, बट हाँ उससे पहले पहुंचते हैं यार लॉस सैंटोस, बाकी की बाद में देखेंगे। वेल, तो अभी मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंचने वाला हूँ सीधा रॉल्स रॉयस के शोरूम में। बस मुझे यहाँ से शायद थोड़ा सा आगे और जाना है, बाकी मुझे इस कार की स्पीड कम कर लेनी चाहिए वरना एक्सीडेंट तो हो सकता है बट नुकसान सामने वाले का ज्यादा हो जाएगा। बट हाँ थोड़ा बहुत ध्यान से अपनी गाड़ी को चलाते हैं। बाकी जहाँ तक मुझे लगता है शोरूम यहीं कहीं पर आसपास होना तो चाहिए, और लेट्स गो, हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जल्दी से अपनी गाड़ी अंदर लेकर चलते हैं और एक बार ही आप लोग ध्यान से देखो शोरूम के बाहर ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है भाई लोगों की। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं गाड़ी खरीदने के लिए भी और उसे देखने के लिए भी। बाकी अभी जल्दी से अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर मुझे कौन सी कार लेनी चाहिए। वैसे जो मैं प्लान कर कर आया हूँ वो तो सबसे टॉप मॉडल है जो कि शायद से यही वाली है। मैं एक बार ही पहले यहाँ से पूरी डिटेल्स ले लेता हूँ। ओके, तो अभी मेरी इससे बात हो चुकी है और मैंने यहाँ पर इन चारों गाड़ियों की प्रॉपर डिटेल्स इससे ले लिया है। वैसे तो ये सारी की सारी गाड़ियां आपको देखने में काफी सिमिलर सी दिख रही होगी, बट ये चारों गाड़ियां प्रॉपर डिफरेंट कार्स है। ये फर्स्ट वाली है रॉल्स रॉयस फैंटम जो कि इस पूरे शोरूम की सबसे महंगी कार है, और ये कार सच्ची में बहुत ज्यादा बड़ी है। यहाँ दिख नहीं रही होगी बट जब मैं से किसी नॉर्मल कार के साथ खड़े करूंगा ना तब आपको उसका एक्चुअल साइज पता चलेगा। और ये सेकेंड येलो वाली है, ये है रॉल्स रॉयस डाउन, ये थर्ड वाली है रॉल्स रॉयस घोस्ट, और ये फोर्थ वाली है रॉल्स रॉयस क्लीनन जो कि एक SUV है। खैर मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा महंगी रॉयल कार खरीदने के लिए आया था बट वो अभी इनके पास अवेलेबल नहीं है, जो कि है रॉल्स रॉयस फैंटम लिमोजिन। मतलब वो सेम ऐसी कार है बट एक्सटेंडेड है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी है सेम इसी डिज़ाइन में। तो अभी उसका ऑर्डर मैंने यहाँ पर दे दिया है क्योंकि वो ऑर्डर पे ही कार बन कर आती है किसी दूसरी कंट्री से। फिलहाल के लिए अभी मैं ये खरीदने वाला हूँ जो कि है रॉल्स रॉयस घोस्ट, ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कार है। एक बार अंदर चल के देखते हैं इसका इंटीरियर वगैरह। भाई क्या खतरनाक कलर इसका मेरे को मिल गया है। वैसे यहाँ पर कार तो मुझे सबसे अच्छी वो व्हाइट एंड ब्लैक वाली लग रही है जो कि फैंटम है, बट कलर की वजह से मुझे ये कार ज्यादा प्यारी लग रही है। अभी एक बारी आप लोग गाड़ी का इंटीरियर देखो भाई कितना ज्यादा प्यारा है, जबकि अभी इसकी एम्बियंट लाइट्स भी ऑन नहीं है, जब वो ऑन हो जाएगी तो फुल इंटरस्टेलर वाली लुक आने वाली है टॉप पे। खैर अभी जल्दी से इस कार की पेमेंट करते हैं और इसे लेकर चलते हैं एक नया घर खरीदने। ऑल डन, तो गाड़ी की पूरी पेमेंट यानी कि $1 million मैंने यहाँ पर पे कर दी है जो कि मुझे बिग माफिया के भाई से मिले थे, और अपनी गाड़ी भी यहाँ पर डिलीवरी के लिए रेडी हो चुकी है। बाकी अगर देखा जाए इंडियन करेंसी के हिसाब से तो इस गाड़ी का प्राइस है पूरे के पूरे 7.5 करोड़ रुपीस। बाकी गाड़ी अपनी कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है, लेट्स गो यार, अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है इसे देखने का, अभी अपनी हो चुके जितना मर्जी देखेंगे। फिलहाल अभी इसे जल्दी से लेकर चलते हैं अपने नए वाले घर को खरीदने के लिए। तो अभी मैंने इसे फ्लावर्स लेकर अपनी गाड़ी के आगे ही रख दिए हैं। बाकी मैं ये कह रहा था कि यार नया घर खरीदने से पहले घर देखना भी तो होगा, ऐसे थोड़ी कि जाते ही कोई भी घर खरीद लेंगे। फिलहाल अभी मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ, लेट्स गो, जल्दी से इस गाड़ी को लेकर चलते हैं, इस शोरूम से सबसे पहले बाहर निकालते हैं। ऑल राइट गाइस, तो अभी मैं अपनी रॉल्स रॉयस घोस्ट को शोरूम से बाहर लेकर आ चुका हूँ, और एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये गाड़ी सच्ची में बहुत ज़्यादा हैवी है और चलने में बहुत ज़्यादा स्मूथ है। खैर असली स्मूथनेस तो इसकी रोड पे ले जाके हमें मालूम पड़ने वाली है, तो देरी किस बात की, जल्दी से इसे लेकर चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार इस गाड़ी में ऐसी क्या खास बात है जो कि बाकी किसी कार्स में हमें देखने को नहीं मिलती। बट हाँ यार जो भी हो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा संभाल के इसे चलाना पड़ेगा। खैर एक बार आप लोग बगल में देखो, ये बगल वाली सुपरकार इसके बच्चे लग रही है। मतलब यार देखा जाए इस गाड़ी का एक्चुअल साइज सच्ची में बहुत ज़्यादा बड़ा है बाकी कार से। मतलब ये एक SUV है, इसको भी देखो अंदर तो ये गाड़ी एक नॉर्मल साइज की लग रही थी बट बाकी कार से कंपेयर करने के बाद इस गाड़ी का एक्चुअल साइज हमें पता चल रहा है। खैर अभी मैं बातों में गलत जा रहा हूँ, पहले मैं सोच रहा था कि मुझे चल के एक नया घर खरीदना चाहिए, बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार घर खरीदने से पहले ना हमें माइकल का हेयर स्टाइल ठीक कराना चाहिए, क्योंकि अभी फुल माफिया वाली बातचीत तो आ चुकी है इस गाड़ी को लेने के बाद, बट माइकल का हेयर स्टाइल यार थोड़ा सा ना पुराना, मतलब कुछ फ्रैंकी टाइप का यार, गुंडे बदमाश वाला है, बट हमें चाहिए माफिया वाला फुल एकदम डोन, तो उसके लिए माइकल का पुराना वाला हेयर स्टाइल ही बेटर था। जल्दी से चलते हैं, मस्त कराते हैं हेयर स्टाइल, फिर उसके बाद चलेंगे नया घर खरीदने, और डेकोरेशंस वगैरह करानी है यार क्योंकि आज रात को पार्टी है, बहुत सारा इंतजाम करना है तभी सारे लोग मिलके चिल मार पाएंगे। लेट्स गो, जल्दी से पहुंचते हैं। बाकी यार ये गाड़ी क्या, वेट यार कुछ ज्यादा स्मूथ नहीं चल रही है गाड़ी, मतलब इसकी स्पीड ऐसा नहीं है कि कम है, अभी एक नॉर्मल मोड पे चल रही है ये, चाहे तो लैम्बो जैसी भी बन जाएगी अगर स्पोर्ट्स मोड पे जाएगी, बट नॉर्मल मोड में इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार, क्या पता ही नहीं चल रहा, गाड़ी की स्पीड भी बढ़ रही है, कम में भी वही मज़ा आ रहा है,
तेज स्पीड में भी वही स्मूथनेस आ रही है इस कार के अंदर। अभी बातों ही बातों में मैं अपनी गाड़ी को लेके सलून पहुंचने भी वाला हूँ, बट बातों ही बातों में मैंने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज भी मिस कर दी, और वो है बिग माफिया के भाई की जी वैगन, जो कि मैंने रोल्स रॉयस के शोरूम के बाहर ही खड़ी छोड़ दी है। फिलहाल उसके बॉडीगार्ड को मैं बोल दूंगा, वो अपना यहाँ से आकर ले जाएगा। बाकी हम लोग शोरूम पहुंच चुके सलून पहुंच चुके हैं। मैं हटा लो यार, अपनी गाड़ी पार्क करनी है, मुझे एक मिनट नहीं लगेगा। लेकिन सबके सब यहाँ पे ट्रैफिक लगा के बैठे हैं यार, थोड़ी बहुत माफिया वाली बातचीत बनानी पड़ेगी कि बंदे गाड़ी देखते ही अपनी गाड़ी को 100 किलोमीटर दूर पहुंचा दे, बस इतना डर होना चाहिए कम से कम। वैसे 100 किलोमीटर ज़्यादा हो गया, बट ठीक है, ज़्यादा भी चलेगा। लेट्स गो, गाड़ी को एकदम आगे पार्क कर देते हैं। ये आ रहा है ना भाई मज़ा आज कसम से, इस गाड़ी में घूम के अलग ही फील आ रही है। फिलहाल बैग भी अंदर ही रखा हुआ है। लेट्स गो, देरी किस बात की, जल्दी से बैठते हैं सीट पे और हेयर स्टाइल करवा देते हैं वही पुराने वाला। ऑल राइट गाइस, तो अभी मैंने अपना वही पुराना मस्त हेयर स्टाइल करवा लिया है और काफी ज्यादा बढ़िया फुल माफिया लुक आ रही है। खैर, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि आज अपने पास बहुत कम टाइम है और हमें जल्दी से जल्दी जाकर एक नया घर खरीदना है, वहां पर डेकोरेशन करवानी है, फिर सभी लोग को इन्वाइट करना है, स्पेशली माइकल की फैमिली को, और फिर उसके बाद आने वाला है असली मजा उस पार्टी में। खैर, यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ लग गई है इस कार को देख के, बट हाँ, मुझे जल्दी से भी यहाँ से निकलना होगा। तो गाइस, अभी मैं जाने वाला हूँ सीधा सबसे बेस्ट बंदे के पास, जो कि इस काम में फुल माहिर है, और वो हमें एक ही बार में सबसे बढ़िया घर दिलवा सकता है। और उसका ऑफिस है इस मेज बैंक टावर में, जो कि लॉस एंटोस की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। तो देरी किस बात की, जल्दी से पहले वहां पे पहुंचते हैं। गाइस, मान लो कि आपके पास दो ऑप्शन है, लैम्बोर्गिनी या फिर रोल्स रॉयस, तो आप इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, मुझे नीचे कॉमेंट्स में जाके जरूर बताना। खैर, ये मत लिखना कि दोनों चूज करेंगे, क्योंकि मैं भी दोनों ही चूज करने वाला हूं। तो आप लोग एक गाड़ी का कमेंट करके मेरा कंफ्यूजन दूर करो भाई, जल्दी से। खैर, अलग अलग रीजन के लिए यूज होती है भाई, ये थोड़ी माफिया कार है और थोड़ी रॉयल कार है, वो एक सुपर कार है रेस वेस वाली। खैर, अभी मैं आ तो चुका हूँ मेज बैंक टावर, बट मैं फ्रंट साइड से नहीं आया हूँ, मैं एक्चुअली बैक साइड से आ गया हूँ, इसीलिए मुझे अपनी गाड़ियों को यहाँ पर सीढ़ियाँ उतार के जाना पड़ रहा है एंट्री वाली साइड पे। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ये गाड़ी फुल एकदम बनी शायद इसीलिए है। लेट्स गो, अभी जल्दी से अपनी गाड़ी यहीं पर खड़ी करते हैं और सीधा लिफ्ट पकड़ के चलते हैं उस बंदे के ऑफिस में। यार, मेरा जो ब्रीफकेस है ना, वो भी गाड़ी में ही रखा हुआ है, बस वो कोई चुरा ना ले, और अभी तक मैंने उसे खोल के नहीं देखा है कि आखिर उस ब्रीफकेस में है क्या। खैर, अभी आगे चेक करेंगे, फिलहाल अभी जल्दी से यहाँ पर लिफ्ट पकड़ के चलते हैं डायरेक्ट उसके ऑफिस में। लेट्स गो। वेल, अभी मैं इस लिफ्ट में बैठ के आ चुका हूँ मेज बैंक टावर के फ्लोर नंबर 24 पे, जहाँ पे अपने दोस्त का ऑफिस है, और इस बिल्डिंग से समझ लो पूरे का पूरा लॉस सैंटोस नजर आता है। खैर, इसने काफी ज्यादा बढ़िया ऑफिस बना रखा है, यहाँ पर काफी सारे लोग काम करते हैं। कुछ इस टाइप का ऑफिस हमारे पास भी होगा थोड़े ही टाइम में, जब अपना गोल्ड वाला बिजनेस बढ़िया चलेगा। तो बाकी वो है नहीं कि बैठा हुआ पीछे मुझे नजर नहीं आ रहा, और ये देखो भाई, यहाँ से अपना वो पुराने वाला घर भी मस्त नजर आ रहा है। खैर, यहाँ पर बैठा हुआ है, जल्दी से इससे बात करते हैं नए घर को लेके। ऑल राइट गाइस, तो अभी मेरी फिलहाल इससे बात हो चुकी है, और ये कह रहा है कि इसके पास लॉस सैंटोस में 2-3 बहुत बड़े बड़े मेंशंस अवेलेबल है, जो कि हम लोग खरीद सकते हैं। बट खरीदने से पहले चल के पता करते हैं कि आखिरकार वो बढ़िया है या फिर नहीं। तो अभी ये हमारे साथ चल रहा है, एंड जल्दी से इसको अपनी ही गाड़ी में बैठा कर लेकर चलते हैं उन घरों पे। तो अभी हम लोग लिफ्ट में बैठ के नीचे आ चुके हैं, और मैंने इसको साफ साफ बोल दिया है कि अभी हमें लॉस सैंटोस का सबसे महंगा, सबसे बड़ा और सबसे अच्छा घर ही चाहिए। तो अभी हमें चल के 3-4 घर दिखाने वाला है, फिर उनमें से पसंद करते हैं कि कौन सा घर ज़्यादा बेटर रहेगा अपने लिए। खैर, पैसों की टेंशन नहीं है, मैंने इसे भी बोल दिया भैया, पैसों की टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी। फिलहाल अभी टेंशन लेनी है तो वो है अपनी गाड़ी की, क्योंकि मैं इसे गलत रास्ते से लेकर आया हूँ। बट टेंशन लेने की जरूरत क्या भाई, यहाँ पर ये कार एकदम प्यार से सीढ़ियाँ उतर के नीचे चले जाएगी। बट थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा राइट लेफ्ट, कि इसमें हल्का फुल्का भी डेंट ना आ जाए। इससे बढ़िया यार मुझे पीछे से ही घुमा के लेकर आनी चाहिए थी, बट नहीं, तुम्हारे भाई ने क्या बढ़िया तरीके से इन स्टेयर से गाड़ियाँ उतार लिया। लेट्स गो, आराम से भाई, मैं चला रहा हूँ, बेचारे डर डर के उतर रहे हैं वॉल पे चढ़ चढ़ के बैठे हुए थे। लेट्स गो, इसने मुझे जो फर्स्ट घर की लोकेशन बताई है वो अपने घर के पास में ही है, तो मुझे रास्ता पता करने की जरूरत नहीं है, फटाफट से उस लोकेशन पे पहुँचते हैं और देखते हैं कि आखिरकार वो घर कैसा है। बाकी मैं ये कह रहा था कि पैसों की टेंशन इसलिए नहीं है, क्योंकि अपने पास गोल्ड माइन वाला बिजनेस तो अब स्टार्ट हो ही जाएगा, जैसे हमें लेस्टर बताता है हमें क्या क्या करना है उसके बाद से। बाकी लेस्टर के पास भी कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं, जिससे हमारी हेल्प अच्छी खासी हो सकती है। तो ये मैं अपनी गाड़ी लेकर फर्स्ट लोकेशन पे पहुंच चुका हूं, और यार जो घर मुझे इसने बताया है वो ये वाला है।
ये जगह सच्ची में अपने पुराने वाले घर से बहुत ज्यादा पास में है और ये घर बाहर से देखने में तो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। जल्दी से अपनी गाड़ी अंदर लेकर चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार घर अंदर से कितना लग्जरी है और कितना रॉयल है। फिलहाल क्या प्यारी एंट्रेंस बना रखी है भाई इस घर की, एकदम मस्त फील आ रही है अंदर गाड़ी ले जाने में। और घर के बाहर भी काफी ज्यादा खुला एरिया है, कम से कम 5 से 6 कार्स मैं घर के बाहर खड़ी कर सकता हूँ। और इस तरफ में एक गैराज है, इसके अंदर भी 3 से 4 कार हमारी आ जाएगी। एक बारी मैं गैराज ओपन करके देखता हूँ। भाई घर तो कसम से बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है, एंट्रेंस इतनी ज्यादा प्यार। ओ वेट, ये गैराज बहुत ज्यादा बड़ा है, बट नहीं यहाँ पर 2 कार ही आ पाएगी एक बार में, क्योंकि पीछे वाला एरिया ऐसे नॉर्मल सा खुला बना रखा है। हम लोग चाहे तो गैराज को भी बड़ा करवा सकते हैं बाद में रेनोवेट करवा के। फिलहाल घर के एंट्रेंस के सामने एक बहुत अच्छा ट्री है जो कि बढ़िया लग रहा है, बट घर पूरा कवर कर रहा है यार, पता नहीं। एक बार ही घर के अंदर चल के देखते हैं, बाहर से तो पूरा पूरा ओके भाई, घर कोई कमी नहीं है। अभी अंदर भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार कसम से। वेट, घर बुरा नहीं है अंदर से, बट जितना बड़ा बाहर से लग रहा था शायद उतना बड़ा अंदर से है नहीं। किचन भी ठीक ठाक है, यहाँ पर टीवी भी देखो कितना, मेरे को लग रहा था बहुत बड़ा टीवी लगा होगा, बट ये तो एक बड़ा टीवी है बट घर के हिसाब से बड़ा नहीं लग रहा। अपने पुराने वाले घर में इतना बड़ा प्रोजेक्टर लगा हुआ है। खैर अभी मैं ये गैराज में आ गया, घर से अंदर से एंट्रेंस है गैराज की जो कि काफ़ी सही है। फिलहाल अभी एक बारी उस, यार सच्ची बताऊं ना मेरे को छोटा बहुत लग रहा है यार, अपने पुराने वाले घर से भी छोटा है। एक बार इस वाले रूम के अंदर चल के देखते हैं, यहाँ पर एक रूम ये देख रहे हो। ओ वेट, क्या प्यारा एक्वेरियम बना हुआ है, उस तरफ में एक सर्वर भी है और यहाँ पर ये अपना एक टाइप से ऑफिस बन सकता है छोटा सा, बट उतना मस्त फील नहीं आया। एक्वेरियम तो प्यारा है बट मज़ा नहीं आया। इस तरफ में और है, ओके इस तरफ में सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर को, एक रूम ये वाला है। ये वाला रूम भी भाई शुरू होते ही ख़त्म हो गया यार, मैं ऊपर जाके देखना ही नहीं है भाई, नीचे से इतना छोटा लग रहा है। एक बारी बैक साइड काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, बैक साइड में चल के देखते हैं। लेट्स, ओ वेट भाई, कुछ भी कहो ये घर भले ही अंदर से छोटा है पर बाहर से बहुत ज़्यादा बड़ा भी है और मस्त भी है। यहाँ पे एक बास्केटबॉल का नेट लगा हुआ है। और आगे चल के देखते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मस्त एरिया बना हुआ है। इधर बड़ा सा स्विमिंग पूल है। ओ वेट, ये अपने वाले स्विमिंग पूल से बहुत ज़्यादा बड़ा है। पीछे की तरफ में मुझे 2-3 चीज़ें नज़र आ रही है, वहाँ पर भी चल के देखते हैं कि आखिरकार क्या है। नाइस यार ये घर, मैं सच्ची बता रहा हूँ बाहर से बहुत ज़्यादा प्यारा है। 2 छोटे छोटे और स्विमिंग पूल तो नहीं कहेंगे से, ऐसी बैठने के लिए बना रखा है पानी में पैर डाल के। पीछे की तरफ में एक छोटा सा फाउंटेन लगा रखा है। ठीक है यार घर, लेकिन एक माफिया वाली बातचीत नहीं आ रही यार इस घर में, अंदर से उतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं है। फ्रंट साइड ऐसी होनी चाहिए थी, जैसे ये अगर फ्रंट साइड होती ना तो मज़ा आ जाता, बट हाँ इसकी बैक साइड। ये घर बाहर से बहुत अच्छा है पर अंदर से वो मज़ा नहीं आ रहा अभी। अब इसके पास अभी 2 ऑप्शंस और है, पहले वहाँ पर चलते हैं फिर इस वाले घर पर यस या नो करेंगे। अगर क्या पता बाकी घर इससे घटिया हो, या हो सकता है बाकी घर इससे भी बढ़िया हो, तो पहले सारे देखेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा लेना चाहिए। फिलहाल ये वाला मैंने पूरा देख लिया, ऊपर वाला फ्लोर जरूरत नहीं है देखने की, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है जैसा नीचे का बना है वैसे ऊपर का बना होगा। फिलहाल अभी ये भी अपना गाड़ी में आकर बैठ चुका है, जल्दी से अपनी गाड़ी को यहाँ से निकालते हैं। भाई क्या प्यारी एंट्रेंस बना रखी है, देख रहे हो अभी देखना कितनी प्यार से गाड़ी जाएगी। ये आराम से घूमी, एकदम मस्त टर्न करा। ओ लेफ्ट साइड में भी एरिया बना हुआ है, वाओ वहाँ पर भी एक छोटा सा फाउंटेन लगा हुआ है। फिलहाल अभी गाड़ी बाहर निकालते हैं। ओके तो गेट भी एकदम मस्त तरीके से ओपन हो चुका है और घर के सामने अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी एक मस्त घर बना हुआ है। फिलहाल जो दूसरा वाला घर है वो भी ज़्यादा दूर नहीं है, फटाफट से वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि इन दोनों में से हमें, मतलब बाकियों में से हमें कौन सा वाला चूज़ करना चाहिए। लेट्स गो। ओके तो अभी हम लोग अपनी गाड़ी लेकर सेकंड वाले हाउस पे भी पहुँचने वाले हैं, चल के देखते हैं कि आखिरकार ये वाला घर कैसा है। फिलहाल मैं इसे दूर से देख के कैंसिल कर रहा हूँ यार, देख रहे हो भाई अपना पुराने वाला घर भी इससे लाख गुना ज़्यादा अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये घटिया है, बट अपना पहले वाला घर यार बहुत बढ़िया है। इससे पता नहीं कैसे कैसे दिखा रहा है, अभी मैं इसको बोलता हूँ एकदम बेस्ट वाले भी लेकर चले यार। तो अभी ना मैंने 2 से 3 और बढ़िया बढ़िया घर रिजेक्ट कर दिए हैं, बट इस बारी ये हमें जिस घर पे लेकर जाने वाला है वो लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा और सबसे महंगा घर है। और ये कह रहा है कि ये इस पर इतनी देर से मैं इसलिए लेकर जा रहा था क्योंकि इसे लग रहा था हम लोग ये खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका एक्चुअल प्राइस है पूरे $1 बिलियन। खैर इतना पैसा हमारे पास नहीं है बट हम लोग धीरे धीरे इसे पे कर देंगे ना यार, दिक्कत कहाँ आ रही है। और वो जो घर है वो है रिच मैन मेंशन। ये जो लेफ्ट साइड में आप घर देख पा रहे हो ना, ये पूरा घर इस टाइम पे खाली है और हम चाहे तो इसे खरीद सकते हैं। ये काफ़ी टाइम पहले लेस्टर के एक फ्रेंड का हुआ करता था, बट शायद मुझे भी नहीं लगता उसका था, वो भी कुछ टाइम के लिए यहाँ पर आया था फिर चला भी गया हो, तो शायद वो रेंट पर आया होगा यहाँ पे। खैर अभी फिलहाल अपनी गाड़ी को हम लोग यहाँ से मोड़ते हैं। भाई ये घर देख रहे हो कब शुरू हुआ था और अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ है। अंदर
पूरा ये एक वैसे सच्ची में कासल लगता है मुझे। खैर अभी फिलहाल अपनी गाड़ी को यहाँ से अंदर लेकर चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार ये घर अंदर से कैसा है। मैंने एक बारी पहले भी देखा हुआ है बट ये कह रहा है कि ये अभी अंदर से पूरा रेनोवेट हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, इसलिए इसकी जो कीमत है वो और भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है पहले से। खैर वो सब अभी हमें अंदर ही जाके मालूम पड़ने वाला है। लेट्स गो, अपनी गाड़ी को यहाँ से मोड़ते हैं। और अब तो मैं भाई फाइनल हूँ, हमें यही वाला घर लेना है क्योंकि ये देख रहे हो इसको कोई ना बोल ही नहीं सकता और ऐसा लग भी रहा है कि ये गाड़ी शायद इसी घर के लिए बनी है। भाई मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि ये जो घर है वो हमारा होने वाला है, बट मैं इसे पेमेंट करूंगा कहाँ से मुझे ये नहीं समझ आ रहा। अपने पास इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 200 मिलियन डॉलर्स पड़े हैं हमारे बैंक में, बाकी पूरे 1 बिलियन डॉलर्स पता नहीं मैं इसको कैसे पे करने वाला हूँ। फिलहाल गाड़ी तो हम लोग इस पूरे के पूरे घर में कहीं पर भी घुमा सकते हैं। ये है इसके गैराजेस। ओके तो गैराज भी ओपन हो चुके हैं। अपनी गाड़ी एक काम करता हूँ, अंदर ही आराम से सेफली खड़ी कर देते हैं, लेट्स गो। खैर अभी गाड़ी खड़ी करने की क्या जरूरत है, ये घर बहुत ज्यादा बड़ा है तो इसका पहले बाहर ही बाहर से राउंड मार लेते हैं। गाड़ी में बैठ के पैदल घूमेंगे, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। पूरा घर पहले बाहर से देखते हैं फिर उसके बाद अंदर से चल के देखेंगे गाड़ी खड़ी करने के बाद। तो यहाँ से एक रास्ता जा रहा है, मैं इस घर में आया हूँ कई बार इसलिए मेरे को इसके सारे रास्ते मालूम है। तो यहाँ से एक राइट को रास्ता जा रहा है, लेट्स गो। एक गेट इसका यहाँ पर है, कम से कम इस घर में 8-9 तो गेट ही हैं एंट्री के और 2 गेट ऐसे हैं जिससे गाड़ियाँ एंटर हो सकती है। और ये जा रहा है रास्ता इसकी फ्रंट साइड पर। इसकी भी एंट्रेंस यार बैक साइड से ही है, फ्रंट साइड से नॉर्मल वाले गेट हैं, अगर गाड़ी लानी है तो बैक से ही आती है। खैर ये है इस घर की एक प्रॉपर लुक। भाई क्या प्यारा लग रहा है, ये देख रहे हो, मस्त एकदम। यहीं पर अपनी गाड़ी खड़ी कर रखेंगे। फिलहाल अपनी गाड़ी को मैं और आगे नहीं ले जा सकता, यहाँ से उतरते जा सकती है बट खाली पीली डैमेज हो जाएगा। इस घर का स्विमिंग पूल तो आप लोग देख ही पा रहे हो, भाई साहब ये किसी एक लेक से कम नहीं है, काफी ज्यादा बड़ा है, वहां पीछे तक बना हुआ है और काफी ज्यादा डीप भी मुझे लग रहा है। बाकी इस तरफ में कुछ सीट्स हैं, सन बाथिंग के लिए लॉन्जर सीट लगी हुई है। उस तरफ में फुल एकदम बड़ा गार्डन है और वहाँ पे कोने में पार्टी शार्टी करने के लिए मस्त एरिया लगा हुआ है जिसमें काफ़ी बड़े बढ़िया लाइट्स भी लगी होंगी। खैर घर तो भाई फाइनल करना पड़ेगा यही वाला, क्योंकि मुझे नहीं लगता पूरे लॉस सैंटोस में इससे ज़्यादा बढ़िया कोई घर हमें मिलने वाला है। बट हाँ इस घर का प्राइस इसने बताया था 1 बिलियन डॉलर्स, इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है। एक बारी लेस्टर से कॉल करके पता करता हूँ कि क्या उसकी तरफ से पैसों का जुगाड़ हो पाएगा, अदरवाइज हमें इसे घर किस्तों में पैसे देकर लेना पड़ेगा, बट लेने में वाला हूँ जरूर। ओके गाइस तो अभी मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है और लेस्टर कह रहा है कि उसके पास 1 बिलियन डॉलर्स तो पड़े हैं और वो अभी के अभी हमें लाकर दे भी सकता है, लेकिन हमें उसके बाद उसके पैसे 1 महीने के अंदर ही वापस लौटाने हैं, प्लस थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा भी उसे हमें देना पड़ेगा। मीन्स उसे 1.2 बिलियन डॉलर्स हमें वापस करने पड़ेंगे, वो भी 1 महीने में। तो मैंने उसे जल्दबाजी में हाँ बोल दिया है, अब पता नहीं पैसा वापस लौटा पाएंगे या नहीं, बट कोई दिक्कत नहीं होने वाली यार, लेस्टर तो अपना दोस्त ही है। तो उसे मैंने बोल दिया भाई जल्दी से तू पैसा लेकर आ जा। फिलहाल मैंने घर को भाई बाहर से ही फाइनल कर दिया है, अंदर अभी मैंने जाकर देखा भी नहीं है। जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार ये जो घर है वो अंदर से कैसा। भाई ये एक घर नहीं है, ये सच्ची में एक महल है। मैं घर खरीदने आया था और मुझे यहाँ पर एक कासल मिल चुका है, समझ लो। क्या मस्त सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर को। उस तरफ में भी एक बहुत बड़ा रूम है, वहाँ पर चल के देखते हैं कि आखिरकार कैसा एरिया है। और ये कह रहा है कि इस घर में नीचे एक मस्त बंकर भी है, उसके अंदर भी चल कर देखेंगे। अभी आखिर हम लोग वहाँ पर कुछ भी मस्त काम करना हो, छुप के काम करना हो तो वहाँ पर कर सकते हैं, या फिर थिएटर बना सकते हैं जैसे डगन बॉस ने अपने घर में बना रखा था। बाकी ये कितना ज़्यादा मस्त एकदम डाइनिंग एरिया, भाई पार्टी तो आज यहाँ पर करनी ही पड़ेगी भाई, मतलब ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, मन नहीं होगा तब भी करेंगे। यहाँ पर किचन भी है काफ़ी ज़्यादा बड़ा। उस तरफ में टीवी यार इस घर में भी छोटा लगा हुआ है, मतलब अपने पुराने वाले घर में भी प्रोजेक्टर था यार इतना बड़ा, बट ठीक है चलेगा। यहाँ पर एक मस्त पियानो लगा हुआ है, उस तरफ में एक मस्त टेलीस्कोप है और वो देखो भाई यहाँ से अपनी कार कितनी मस्त नज़र आ रही है। टेलीस्कोप से देखते हैं एक बारी की कार अपनी कैसी लग रही है। वेट ये खड़ी गाड़ी भाई कितनी ज़्यादा मस्त लग रही है ये गाड़ी, अब हमेशा यहीं खड़ी करेंगे जब भी अपने घर अपना हो जाएगा ना। खैर हो गया समझ लो, लेस्टर आ रहा है भाई पैसे लेके। अब बस इतना मान लो कि ये घर अपना हो चुका है, 10 से 15 मिनट में लेस्टर यहाँ पर पैसे लेकर आ जाएगा और फिर पेमेंट करते ही हम लोग इस घर के नए ऑनर बन जाएंगे। एक बार ऊपर भी चल के घर को देख लेते हैं, बट उससे पहले यहाँ पर ये जो रूम है ना इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ कि आखिरकार यहाँ पर क्या बना हुआ है। वेट ये एक रूम नहीं, ये एक हॉल है जिसमें बाथरूम बना हुआ है। वाओ भाई बड़े घर के भी अलग ही स्टाइल होते हैं, वो भी मस्त लग्जरी बाथरूम बना हुआ है यार।
कसम से यार, इस बाथरूम में एक बाथटब लगवा रखा है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। जब बाहर इतना बड़ा स्विमिंग पूल है तो यार बाथटब में कौन नहाएगा? एक बार को शावर होता तो समझ भी आता। खैर ठीक है, शायद अंदर तब नहाएंगे जब गर्म पानी से नहाना हो, क्या पता बाहर वाले स्विमिंग पूल में पानी ठंडा रहता हो। खैर ठीक है, अभी जल्दी से एक बार ऊपर चल के देखते हैं यहाँ पर क्या बनवा रखा। उत्तरी भाई, ये तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं किसी एक घर में घूम रहा हूँ। यहाँ पर इतने सारे रूम है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं इस घर में खो जाऊंगा भाई किसी दिन। समझ ही नहीं आ रहा कौन सा रूम किधर को जाने वाला है। एक बार इस वाले रूम में चल के देखते हैं। ये तो बाथरूम भाई, ये ऊपर वाले फ्लोर के बाथरूम में आ गया और ये नीचे वाले से भी बड़ा है। नाइस भाई, इतना बड़ा पुराने वाला घर था जितना बड़ा इस घर का बाथरूम है। यहाँ पर एक रूम और है। ओके, अब आकर मुझे मिला है कोई छोटा सा रूम। ये अपना पर्सनल रूम हो जाएगा, ये ठीक लग रहा है। उसमें भी दो दो तीन तीन सोफे लगे हुए हैं, एक बेड लगा हुआ है, सामने एक टेबल है, ये ठीक ठाक है। फिर भी बाकी यहाँ पर और भी चार पांच रूम है, इसे भी खोल के देखते हैं। ये भी भाई बहुत ज़्यादा बड़ा रूम है भाई, लेट्स गो, मज़ा आने वाला है। इसमें तो अपने सारे दोस्त आकर एक ही बार में रह लेंगे। वैसे यार सब कुछ ठीक है, बट एक चीज़ मुझे इस घर की अच्छी नहीं लगी और वो ये है कि यहाँ पर अंदर कुछ भी फन करने के लिए नहीं है। एक भी रूम ऐसा नहीं बना जिसमें सिर्फ हम टीवी देख सकें या फिर उसमें कुछ गेम्स वगैरह खेल सकें। खैर वो हम बाद में कर लेंगे, फिलहाल एक ये वाला रूम है जो कि मैंने चेक नहीं करा। और भाई ये तो एक बहुत बड़ा ऑफिस है जिसमें एक बॉस चेयर भी लगा हुआ है। ये हुई ना बात, इसी टाइप की चीज़ का तो मुझे इंतजार था इतनी देर से। तो यहाँ पर काफ़ी सारी बुक्स वगैरह लगी हुई है, कल को किसी को मीटिंग करने आना होगा तो हम लोग इसी रूम में उससे मीटिंग करने वाले हैं। बाकी मैं यहाँ से पूरे के पूरे घर को भी आराम से देख सकता हूँ। क्या ही मस्त व्यू आ रहा है यार यहाँ से पूरे घर का। ठीक है यार, अभी सब कुछ ओके है, अभी चलते हैं नीचे। और एक यहाँ पर एक कह रहा था ना बंकर लास्ट रह गया देखना, उसको चल के देखते हैं कि आखिरकार वो कैसा है। तो ये जो बंकर है, ये घर की बैक साइड में, ये जो गैराज है ना, इसकी बेसमेंट में बना हुआ है। फटाफट से चल के देखते हैं। काफी ज्यादा खुफिया एंट्रेंस है यार इसकी भी, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था इधर भी कुछ होगा। फिलहाल यहाँ पर तो उत्तरी, ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया बंकर है यार, मतलब मुझे लग नहीं रहा था इतना ज्यादा बड़ा होगा, बट इधर तो हम लोग आराम से बहुत सारा काम कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बहुत मस्त प्रिजन बना हुआ है, किसी को अगर बंद करना हो ना तो यहीं पर लाकर बंद कर देंगे। बाकी यहाँ पर एक रूम और है जहाँ पर शायद यहाँ पर जो बंदा पहले रहता था ना, वो कुछ तो इलीगल यहाँ पर काम करता था, कुछ केमिकल वगैरह वो पक्का बनाता होगा, तभी उसने बंकर बनवाया था और इतना छुपा छुपा के यहाँ पर काम करता था। फिलहाल अभी ठीक है, सारी साफ सफाई करवानी पड़ेगी। लेट्स गो, अभी जल्दी से चलते हैं ऊपर और अभी सीधा मैं कॉल करने वाला हूँ डेकोरेशंस वालों को, ताकि वो लोग जल्दी से यहाँ पर आए और घर को थोड़ा बहुत सजाना स्टार्ट करें अपनी पार्टी के लिए। बहुत सामान भी चाहिए होगा भाई, फुल एकदम मजे आने वाले हैं आज 2022 की जो पार्टी है। डन, तो अभी मैंने डेकोरेशन वाली टीम को भी कॉल करके बोल दिया है कि वो लोग जल्दी से इस एड्रेस पे आ जाएं, और उन्होंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ वो लोग 5 मिनट के अंदर यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आज शाम तक वो लोग इस घर को भी डेकोरेट कर देंगे। फिलहाल अभी उत्तरी, मैं बोल ही रहा था कि लेस्टर को काफी ज्यादा देर हो गई और वो यहां पर अपनी गाड़ी लेकर पहुंच भी गया है, बट गाड़ी में पीछे फ्रैंकलिन और अंडरवाटर माफिया भी बैठे हुए हैं। खैर ठीक है, पहले पेमेंट करते हैं। तो लेस्टर ने भी गाड़ी की बूट ओपन कर दिया और एक बार आप लोग इधर देखो कितना पैसा भर के लाया है, और इसने फ्रैंकलिन को बाहर निकाल के फेंक दिया। भाई साहब, लेस्टर इस गाड़ी में पैसों के साथ साथ फ्रैंकलिन और अंडरवाटर माफिया को भी लेकर आया था, वो भी बेहोश करके। खैर अभी वो उन दोनों को लेकर यहाँ से नीचे जा चुका है। बाकी ये बंदा यहाँ पर पैसे गिनने में लगा हुआ था, इसलिए मैंने इसको बोल दिया भाई ये गाड़ी तू घर ले जा, आराम से जाके पैसे गिनियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पेपर वर्क बाद में कर लेंगे। मतलब हमने इसे पैसे दे दिए हैं, जब ये पूरे पैसे कन्फर्म कर लेगा उसके बाद ये घर फाइनली हमारा हो जाएगा, लीगली हमारा हो जाएगा। बाकी लेस्टर मेरे से पूछ रहा था कि कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ पर मैं इन्हें बंद कर सकूँ, कोई रूम बताओ। मैंने कहा रूम छोड़ो, इस घर में पूरा का पूरा एक प्रिजन है। और लेस्टर भी उन दोनों को लेकर वहीं पर चला गया है। एक बारी चलकर देखते हैं कि आखिरकार सीन है क्या। लास्ट टाइम फ्रैंकलिन ने हमारे साथ धोखा दिया था, बट ये अंडरवाटर माफिया को कहाँ से पकड़ के ले आया दोनों को, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। भाई ये दोनों बंदों से ना सच्ची में बहुत ज़्यादा खतरा है, इसलिए लेस्टर भी काफ़ी सीरियस है और इसने दोनों को उठा के भाई अंदर बंद कर दिया। काफ़ी ठीक करा है, इन दोनों को हमें अच्छे से समझाना पड़ेगा कि भाई हम लोग गलत बंदे नहीं हैं, डगन बॉस गलत था, ये लोग पता नहीं उनका क्यों साथ देने लग गए थे। फिलहाल लेस्टर से बात करते हैं और देखते हैं क्या सीन है। गाइस, लेस्टर कह रहा है कि हमें ना इन दोनों लोग से, दोनों क्या, इन तीनों लोग से, ट्रेवर भी इसमें शामिल है, हमें इन तीनों लोग से बहुत ज़्यादा खतरा है, ये लोग कभी भी हमें मार सकते हैं, इसीलिए लेस्टर ने इन दोनों को पकड़ के इस जेल में, मींस इस लॉकर में बंद कर दिया है। तीसरे को भी पकड़ना है जो कि है ट्रेवर, बट उसका भी कुछ अता पता नहीं है। आप लोग को याद होगा लास्ट टाइम वो भी डगन बॉस को बचाने में फुल लगा हुआ था, उसको बचाने के लिए एक बार को वो हमें मार देता भाई,
बट जैसे तैसे हमने अपनी जान बचाई और डगन बॉस को मार डाला। बट हाँ यार, जो भी हो, लेस्टर ने कहा है कि घर का ध्यान वो रख लेगा, डेकोरेशंस वगैरह करवा देगा। फिलहाल यहाँ पे डेकोरेशन टीम आ चुकी है और वैसे भी अपना काम खुद कर लेगी, 3 से 4 घंटे में घर पूरा डेकोरेट हो जाएगा पार्टी के लिए। बट लेस्टर ने मुझे बोला है कि जो अपना गोल्ड माइन है, मुझे वहाँ पर जाना है और उसका बिजनेस अब से पूरा संभालना है और उसका 20% प्रॉफिट लेस्टर रखने वाला है। बाकी एक जगह है जहाँ पर सारा गोल्ड मेल्ट होएगा आके, वो जगह लेस्टर ने ढूंढ ली है। अभी जल्दी से मुझे उस जगह पर जाकर पूरा काम करना है, सही से देखना है कि मतलब जो प्रॉपर एक बिजनेस में होता है, वहाँ से गोल्ड माइन होकर आएगा, फिर इधर आके प्रॉपर मेल्ट होएगा, मेल्ट होकर उसके ब्रिक्स बनेंगे, फिर वो जो गोल्ड है वो लोग हम लॉस सैंटोस में नहीं बेच सकते, इसलिए लेस्टर ने एक डीलर से बात करी है जो कि उस गोल्ड को इलीगल तरीके से न्यूयॉर्क में मीन्स लिबर्टी सिटी में भेजेगा और फिर वहाँ पे जाके उसका पैसा हमें मिल जाएगा। मतलब घुमा फिरा के अपना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है गोल्ड को लेके। बाकी एक बारी गाड़ी देखो भाई अपनी सामने कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। लेट्स गो, जल्दी से चल के इस गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं सीधा उस जगह के लिए जो कि लेस्टर ने ढूंढी है, जहाँ पर हमारा गोल्ड आकर मेल्ट होने वाला है। मुझे उस जगह को देखना है और वहाँ पर एक मशीन है जो कि माइनिंग में हेल्प करने वाली है। वो मशीन मुझे वहाँ से उठाकर अपनी माइन शाफ्ट पे, जो डगन बॉस की माइन शाफ्ट थी, वहाँ पर छोड़कर आनी है। तो बस आज के लिए इतना इंपॉर्टेंट काम है। वैसे भी आज सबके लिए एक टाइप से छुट्टी का दिन है, सारे लोग फुल एंजॉय वाले मूड में होंगे, बट ये वाला काम थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो उसको निपटा लेते हैं। उसके बाद आकर आज रात भर हमें पार्टी करनी है। बाकी बीच रास्ते में जाते जाते सबको इनवाइट कर देते हैं आज वाली पार्टी के लिए। लेट्स गो, पहले गाड़ी यहाँ से बाहर निकालते हैं। यार यहाँ के डोर ना अच्छे से काम नहीं करते हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है उसके बाद ही ये खुलते हैं। बट हाँ यार, जो भी है चलेगा, घर हमें मिल गया, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। कल इसके पेपर वर्क भी हो जाएंगे, फिर ये घर हमारा लीगली हो जाएगा और हम लोग इसके ऑनर बन जाएंगे। लेट्स गो, फिलहाल जल्दी से चलते हैं उस जगह पे। तो अभी सबसे पहले मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुका हूं सोने की खान पे, मीन्स गोल्ड माइन शाफ्ट पे। बाकी यहाँ पर आने का मेन रीजन ये है कि लेस्टर ने 2 ट्रक भर के रो गोल्ड लोड करवा दिया है और ट्रक ड्राइवर भी यहाँ पर हमारा वेट कर रहे हैं। उनको हमें अपने साथ लेकर जाना है उस जगह पे जहाँ पर गोल्ड पहले रिफाइन होगा, फिर उसके बाद सारा गोल्ड मेल्ट होके गोल्डन इंगेट में मीन्स गोल्ड बार्स उसके बन जाएंगे। खैर अभी मैं अपनी गाड़ी लेकर यहाँ पर पहुंच चुका हूँ, बट मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा कि आखिरकार अपनी माइन शाफ्ट थी कहाँ पर। जहां तक मुझे याद है, लास्ट टाइम मैं यहीं कहीं से एक दरवाजा तोड़ के उस माइन शाफ्ट में गया था। बट वेट, सामने की तरफ में वो दोनों ट्रक्स खड़े हुए हैं जिसमें सामान लोड हुआ है, बट मुझे पता नहीं क्यों वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है। 2 ट्रक ड्राइवर्स हैं जिसको डगन बॉस के बंदों ने घेरा हुआ है। भाई साहब, ये लोग नहीं मानने वाले यार। ये डगन बॉस की सिक्योरिटी ना सच्ची में बहुत ज्यादा जिद्दी है। अभी इन दोनों लोग को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि अगर मैंने इन्हें मारने की कोशिश करी तो हो सकता है कि ये इसके ऊपर गन चला दे, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो यहां पर इन 5 लोग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे के पास गन है। अगर मैं इसको मार दूं तो ये जो 2 लेस्टर के इंपॉर्टेंट बंदे हैं जो कि हमारा सामान सप्लाई करने वाले हैं हमेशा, वो दोनों लोग बच जाएंगे। बट यार इनको मारने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ये पिस्टल है और कोई गन भी मैं अपने साथ कैरी कर नहीं घूम रहा हूं। अगर ये निशाना मिस हुआ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, तो इसलिए एकदम मस्त है। ओ तेरी, मेरे मारने से पहले उसने मुझे देख लिया और भाई उसने मेरे शॉट बजा दिया और बाकी सारे बंदे भी मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। वेट वेट वेट, मुझे इनको अच्छे से मारना होगा। एक यहाँ पर गया, दूसरा भी गया, तीसरा भी गया और ये चौथा मिस हो गया। वेट भाई, इन सब ने आर्मर पहना हुआ है, मुझे भाई पीछे भागना होगा। वेट वेट वेट, मैं लेकिन भागूंगा कहाँ पर भाई, एक सेकंड, मैं पीछे जा रहा हूँ। हो सकता है भाई वो सारे के सारे आ रहे हैं मुझे मारने के लिए, चारों की गोलियां बजा दी फिर भी उठ उठ के आ गए हैं। और भाई उन्होंने मुझे यहाँ पर छुपते हुए देख लिया। भाई मेरी गाड़ी को कोई हाथ मत लगाने। ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया। भाई साहब, जैसे तैसे करके यहाँ पर मैंने 5 लोग को मार दिया है और अभी शायद मैं सेफ हूँ। लेट्स गो गाइस, अभी ना मुझे यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। भाई उस सामने वाले बंदे ने भी मेरे एक रख के मार दी थी बुलेट तुरंत ही, जैसे ही मैंने उसके ऊपर एम करा उसका ध्यान मेरे ऊपर आ गया। फिलहाल ठीक है, मैंने इनको अपनी गाड़ी तक नहीं पहुँचने दिया, वरना इनमें से एक आध बंदा पक्का इस गाड़ी को उठा के भाग जाता या फिर इस गाड़ी में बैठ के मुझे मारने आता। बट ठीक है, मैंने अपनी गाड़ी भी बचा ली और अपने आप को भी बचा लिया, प्लस लेस्टर के जो इंपॉर्टेंट बंदे थे ट्रक ड्राइवर्स, इनको भी मैंने यहाँ पर बचा लिया। फिलहाल अभी जल्दी से चल के अपनी गाड़ी को मैं यहीं पर खड़े करता हूँ। और अबे मर चुके हैं सारे के सारे, ये बेचारे अभी भी डर के बैठे हुए हैं। मैं कुछ नहीं कहने वाला, तुम्हें आराम से रहो, मैं लेस्टर का ही आदमी हूँ। भाई बेचारे डर गए बहुत ज्यादा ये लोग तो। ओके, तो अभी मैंने इन दोनों लोग को अपने साथ चलने के लिए बोल दिया है। लेस्टर ने मुझे कहा था कि मुझे इन दोनों को वो फैक्ट्री दिखानी है जहां पर ये लोग सारा का सारा गोल्ड हमेशा ट्रांसफर करने वाले हैं। अब यार देखो, हम लोग खुद थोड़ी आएंगे, यहाँ पर गोल्ड माइन होगा, फिर हमें उस फैक्ट्री पे पहुँचाना है जहाँ पर इस गोल्ड को रिफाइन और मेल्ट किया जाएगा।
बाकी सब कुछ ठीक है, बंदे तो अपने बढ़िया है, बट अगर आज हम लोग बाय चांस थोड़ा बहुत लेट हो जाते या फिर अपने पास कोई भी गन नहीं होती या सामने वाले एनिमीज के पास कोई तगड़े वेपन्स होते हैं, तो भाई सही बता रहा हूँ, ये दोनों लोग की जान किसी कीमत पे नहीं बचती। बट ठीक है, अच्छी बात थी भाई, उनके पास भी अच्छे वेपन्स नहीं थे और हम लोगों ने भी अपनी पिस्टल का सही इस्तेमाल करके जैसे तैसे उन लोग को मार डाला और इनको बचा लिया। बट अगर इसी तरीके से चलता रहना है तो यार अपने को बहुत ज़्यादा खतरा रहेगा। फिलहाल अभी ये दोनों लोग ट्रक लेकर हमारे पीछे आ रहे हैं। जिस जगह पे हमें जाना है वो जगह लॉस सैंटोस में ही है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उस जगह पर मैं एक दो बारी पहले गया हूँ, आप लोग भी उस जगह को सही से पहचान जाओगे। फिलहाल जल्दी से पहुँचते हैं, मैं लेस्टर को कॉल करके बोलता हूँ कि यार अपने को बहुत ज़्यादा खतरा है ये गोल्ड के बिजनेस में, डगन बॉस के बंदे हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। तो या तो हम लोग उनको निपटा दें, और उनको निपटाने के लिए हमें चाहिए होंगे वेपन्स जो कि लेस्टर ही जुगाड़ करवा पाएगा, और वेपन्स यार सच्ची में भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी सेफ्टी के लिए भी। तो जल्दी से मैं लेस्टर को कॉल करके वेपन्स के लिए बात करता हूँ। तो आज रात न्यू ईयर पार्टी के लिए मैंने अपने हर एक फ्रेंड को प्लस माइकल की फैमिली को भी इनवाइट कर दिया है, अब बस सारे के सारे आ जाए तभी फुल मौज मस्ती होने वाली है। बाकी अभी मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुका हूँ लॉस सैंटोस, बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार वो ट्रक कहाँ पर रह गए। मैंने यार गलती से पतली पतली गलियों से अपनी गाड़ी को भगाता हुआ ले आया, बट मैंने बाद में मेरे को ध्यान आया कि मैंने उन ट्रक वालों को बोल रखा है मुझे फॉलो करने के लिए, बेचारे वो उन पतली गलियों में फंस गए होंगे। थोड़ा सा वेट कर तो नहीं भाई, ये लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया ड्राइवर है, देख रहे हो रेड लाइट वगैरह कुछ नहीं देख रहे, बस सीधा भगाते हुए आ रहे हैं। आखिरकार लेस्टर ने जो बंदे भेजे भाई कि पूरा काम आएंगे, लेट्स गो जल्दी से पहुँचने, अभी काफ़ी ज़्यादा पहुँच चुके हैं हम लोग उस लोकेशन के पास में। अभी मैं अपनी गाड़ी लेकर इस फैक्ट्री पे पहुँच चुका हूँ और आप लोग मानोगे नहीं कैसी कैसी घटिया घटिया गली से मैं अपनी गाड़ी को लेकर आया हूँ, काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई है यार अभी ये, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, काम के लिए सब कुछ हाजिर है। फिलहाल इस फैक्ट्री का जो मेन एंट्रेंस का रास्ता है वो ये वाली गली है, जल्दी से अपनी गाड़ी को यहाँ पर राइट मोड़ते हैं। बाकी अभी बीच रास्ते में मेरी लेस्टर से भी बात हो गई है और उसने वेपन्स लेने का ना एक बढ़िया जुगाड़ बताया है। वैसे आप लोग को नहीं पता होता मैं बता दूँ, इस टाइम अपने पास वेपन्स बिल्कुल नहीं है। जो वेपन्स वो तेरी भाई, उसने पीछे ट्रक ठोक, मैं वही कहूँ इतनी तेज आवाज़ कहाँ से आई, वो देखो भाई उसने ट्रक गलती से वहाँ पर ठोक दिया है, बट कोई नहीं वो भी थोड़ी देर में यहाँ पर आते होंगे। बाकी हाँ मैं ये कह रहा था कि लेस्टर ने हमें एक बढ़िया तरीका बताया वेपन्स लेने का, क्योंकि हमारे पास कोई भी वेपन्स नहीं है, बाई चांस किसी से लड़ाई हो जाती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लॉस सैंटोस की सारी शॉप मिलिट्री कर्नल ने बंद करवा दी थी काफ़ी टाइम पहले, थोड़ी बहुत वेपन्स हमें बिग माफिया के भाई के थ्रू आते थे बट अभी वो भी बंद हो गए हैं। खैर वो सब छोड़ो, अभी मुझे ये बताओ कि आखिरकार ये ट्रक वाओ इन्हीं की बात कर रहा था और अब पहुंच गए भाई, इतनी पतली गली भी नहीं थी जो इतनी बुरी तरह ठोक दिया इसने ट्रक को, आगे के दोनों शीशे टूट गए और नीचे का भाई साहब बोनट वाला एरिया तो पूरा ही इसने उड़ा डाला है। फिलहाल अभी जल्दी से फैक्ट्री के अंदर चल के देखते हैं कि आखिरकार काम चल क्या रहा है यहाँ पर, अब बाकी इनको पूरा काम लेस्टर बता देगा। हाँ तो हम लोग वेपन्स को लेकर बात कर रहे थे, लेस्टर ने ना एक जगह पता करी है जहाँ पर से वेपन्स लॉस सैंटोस में आते हैं, एम्युनिशन शॉप पर जाते हैं, हम लोग वहीं से वेपन्स उठा सकते हैं, बट उठाना नहीं है हम एक तरीके से चोरी करना है। ट्रेन होती है जहाँ पर ट्रेन कंट्रोल की जाती है ना, हम लोग वहीं पर जाने वाले हैं और एक ट्रेन को रुकवा के उसमें से वेपन चुराएंगे। काम सुनने में आसान है बट करने में भी आसानी होने वाला है वैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है। फिलहाल ये है वो फैक्ट्री जहाँ पर लेस्टर ने वर्कर लगवा दिए हैं 2 से 3, बट धीरे धीरे ज़्यादा वर्कर लग जाएंगे ताकि जल्दी से जल्दी गोल्ड मेल्ट हो और हम लोग अमीर बनते जाएं। खैर अपनी रॉल्स रॉयस अभी यहीं पर खड़ी रहने देते हैं क्योंकि मैं वापस थोड़ी देर में यहीं पर, नहीं यार वापस कब आऊँगा, मैं अभी वेपन्स चुराने के लिए जा रहा हूँ। लेस्टर ने यहाँ पर अपने लिए बाइक का इंतजाम करवा दिया है। ठीक है तो मैं काम करता हूँ, वेपन्स चुराने के बाद मैं सीधा यहीं पर आ जाऊंगा और अपनी गाड़ी लेकर जाऊंगा पार्टी में। मैं सोच रहा था लेस्टर यहाँ पर किसी अपने एक बंदे को भेजेगा बट ये तो खुद आ गया यहाँ पे। तो चलो यार अभी मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है और इसने मुझे पूरा का पूरा प्लान अच्छे से समझा दिया है। खैर अभी इसने मुझे एक बैग दिया है जिस बैग में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और वो है लेस्टर का लैपटॉप। अभी स्टंट मारने के चक्कर में बहुत बुरी तरह ठुक जाता। हाँ तो इस बैग में है लेस्टर का लैपटॉप जिस लैपटॉप के थ्रू हम लोग एक बहुत खतरनाक सिस्टम हैक करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था लेस्टर का जो प्लान है वो कुछ इस टाइप का है कि एक ट्रेन है जिसमें वेपन्स लोड होकर आते हैं दूसरी कंट्री से और जाते भी हैं कुछ वेपन्स लॉस सैंटोस से, हमें उसी ट्रेन को रोकना है और उसमें से वेपन्स चुराने हैं। अब जल्दी से चलते हैं सीधा उस जगह पे, वो एक कोई स्टेशन नहीं है, कोई जंक्शन नहीं है, वो एक टाइप का कंट्रोल एरिया है जहाँ पर वेपन लोड होते हैं
और ट्रेन कंट्रोल होती है, उनके सिग्नल्स जाते हैं, जो भी है, इतना मेरे को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मुझे जाके वहां पर बस ट्रेन को रोकना है और वेपन चुराने हैं। ऑल राइट गाइस, तो अभी मैं अपनी बाइक को फुल स्पीड में इस हाईवे पे भगाता हुआ उस लोकेशन पे पहुंचने वाला हूँ और स्टंट मारने में ना यार काफी ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि आज बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। खैर वो सब छोड़ो, अभी अपने मेन काम पे फोकस करते हैं। हम लोग यहाँ पर वेपन चुराने आए हैं। वेपन चुराने के लिए हमें कंट्रोल सेंटर जाना पड़ेगा, बट मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मालूम है। खैर एक ये वाला रेलवे ट्रैक जा रहा है, मैं इसी को फॉलो करता हूँ क्योंकि लेस्टर ने मुझे यही लोकेशन दी थी, तो शायद से वाला रेलवे ट्रैक उसी जगह पर जाता होगा कंट्रोल ऑफिस तक। फिलहाल काफ़ी ज़्यादा सुनसान सा एरिया है और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे इस जगह पर मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को ध्यान ही नहीं आ रही है जगह। खैर अभी यहाँ पर हम लोग बाइक से उतरते हैं क्योंकि बाइक अपनी आगे नहीं जा सकती, सामने एक यहाँ पर कैनाल बनी हुई है, बाइक को दाऊंगा खाली बिली अटक जाएगी। चुपचाप से यहाँ पर से जंप मार के मैं आगे बढ़ता हूँ। ये फैंस ऐसे टाप लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा कूड़ा करकट यहाँ पर रखा हुआ है। ये एक्चुअली रेलवे का सामान है सारा, यहाँ पर कंट्रोल ऑफिस है, सब चीज़ शायद से यहीं पर कंट्रोल होती है, कोई रेलवे ट्रैक वगैरह ख़राब हो जाता होगा तो। ओके सामने चार पांच बंदे हैं बट वो तो अपना फार्मिंग कर रहे हैं, वो खैर उनसे मुझे कोई डरने वाली बात नहीं है। मुझे लग रहा था भाई कौन वहाँ पर उस खेत में बैठा हुआ है। बाकी ठीक है, यहाँ से धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। हाँ मैं अपनी गन निकाल के ही रखता हूँ, बाय चांस ये कहीं सिक्योरिटी गार्ड हो, छुप के कुछ इलीगल काम कर रहे हैं और मुझे देख के खाली पीली मेरे ऊपर भारी पड़ जाए। खैर जल्दी जल्दी भाग कर मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। ठीक है अभी मुझे इनसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं एक बार अच्छे से देख लेता हूँ। हाँ इनसे डरने की जरूरत नहीं है और जो कंट्रोल ऑफिस है मैं वहाँ तक पहुँचने वाला हूँ। सामने से एक ट्रेन जा रही है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया व्यू आ रहा है। लेफ्ट साइड से नहीं, मुझे ना ये रेलवे ट्रैक से जाना चाहिए, क्या पता बैक साइड से कोई एंट्रेंस हो, अपना काम ईजिली हो जाएगा। खैर एकदम सुनसान जगह यार, मुझे ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पर एक गेट है जो कि पता नहीं ओपन होगा या नहीं। खैर मुझे एक मस्त गन मिल चुकी है भाई यहाँ पर, सच्ची सच्ची में वेपन्स का काम होता है। बट वेट, यहाँ पर बंदे हैं जो कि बात कर रहे हैं। अब यार देखो मुझे वेपन्स चाहिए तो मुझे इन लोग को मारना ही होगा, फटाफट से इसको उड़ाता हूँ। दूसरे को भी मैंने यहाँ पर उड़ा दिया है, एक और बचा दी मैंने इसके। बट वेट, पीछे से यहाँ पर और लोग आ गए, मुझे अभी भागना होगा भाई। मुझे लग रहा था कि ये दो ही लोग हैं और भैंस की टांग निकले यहाँ से तेरी। सामने से ये पता नहीं कब में आ गया। खैर ठीक है मुझे भी भाग के यहाँ से पीछे की तरफ में जाना होगा। वेट बस यहाँ पर अंदर कोई ना आए। चल तेरी ऐसे की तैसे, उसके पीछे कवर लेकर खड़ा था, उससे लगा मैंने उसे देखा नहीं। बाकी यहाँ पर जितने लोग थे शायद मैंने सबको नहीं मारा, सामने भी दो तीन लोग है भाई। वेट बहुत ज्यादा गलत सीन है और मेरे को पुलिस के गाड़ी के भी सायरन का साउंड आ रहा है। नहीं यार अभी ये सब ड्रामेबाजी मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर एक छोटा सा काम करने आया हूँ, उसके चक्कर में मैंने यहाँ पर कितने सारे गार्ड्स मार दिए। इतनी सिक्योरिटी यहाँ पर क्या कर रही है भाई, पक्का यहाँ पर बहुत ज्यादा ही वेपन्स होते होंगे तभी इधर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी लगा रखी है। खैर उधर से एक बंदा मार रहा था बट अभी मुझे दिख ही नहीं रहा है। हाँ तो इधर जो बंदा बैठा था, चलती रही ऐसी की तैसी, मैं इतनी देर से वेट कर रहा था अब निकले और जैसे निकला मैंने उसके बजा दिया। खैर मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो मारा जा चुका है और अभी मामला पूरा शांत है। मुझे एक बारी ना पहले अगल बगल एरिया चेक कर लेना चाहिए। खैर यहाँ पर शायद से कोई नहीं बचा, फटाफट से इस जगह के मीन्स इस ऑफिस के अंदर चलते हैं और यहाँ से मुझे एक ट्रेन को बुलाना होगा जैसा मेरे को लेस्टर ने कहा था। ओके गाइस तो अभी मैं ऑफिस के अंदर आ चुका हूँ। बट वेट, यहाँ पर तो एक सिक्योरिटी गार्ड है बट लकीली वो बेचारा सो रहा है, इसके तो भर के मुक्का ही पड़ने वाला है अभी। हाँ बेटा ड्यूटी पे सो कैसे रहो आप? ओ नहीं गन अंदर रख भाई, सब मारने लगे। रुक जाओ अब ये बहुत बुरा पिटेगा। ले बेटा गन मेरे पास भी थी, ठीक है ना, लेट्स गो। अभी मैंने इसे मार दिया है और अभी मुझे ना यहाँ पर ये जो कंट्रोल पैनल है इसको हैक करना होगा जो कि मुझे लेस्टर ने लैपटॉप दे के भेजा है। फटाफट से इसे हैक करते हैं, गेट ओपन करते हैं, यहाँ के सारे सिक्योरिटी कैमरास को ऑफ करते हैं, सारी फाइल डिलीट वगैरह सब हो जाएगा इसको हैक करने के बाद और हम लोग ट्रेन को भी बुला पाएंगे। लेट्स गो। ऑल राइट गाइस तो अभी मैंने गेट को हैक करके अनलॉक कर दिया है, फटाफट से कार्ड को निकाल के बैग में डालते हैं और चलते हैं सीधा उस लैपटॉप को हैक करने के लिए। और अभी बस मुझे वहां से बस एक कमांड के थ्रू ट्रेन को यहां पर बुला लेना है, फिर जैसे ट्रेन आएगी अपना काम हो जाएगा। लेट्स गो। ई से हमने कॉल कर दिया ट्रेन को, अब यहां से हम लोग जल्दी से बाहर निकलते हैं। खैर जो भी हो इसने पैंस की डंग मारने की कोशिश कैसे करी मेरे को, मुझे लग रहा था बेहोश हो जाएगा एक गुस्से में। चलो ठीक है अभी फिलहाल मैं इस जगह से बाहर आ चुका हूँ, अब फटाफट से उस जगह पे चलते हैं जहां पर ट्रेन आने वाली है। अब यार देखो सीधी सी बात है, जो लोग यहाँ पर वेपन्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं वो लोग मुझे नहीं जानते होंगे, बट जब वो लोग मुझे यहाँ पर देखेंगे
तो पक्का वो लोग मुझे मार डालेंगे। लेकिन ये बात मुझे मालूम है, तो मैं पहले से अलर्ट हूँ। जैसे ही वो मुझे मारने की कोशिश करेंगे, उससे पहले मैं उनको निपटाऊंगा और सारे वेपन्स लेकर यहाँ से फटाफट भाग जाऊंगा। भटा, ये जगह मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सही है। ट्रेन यहीं पर आकर रुकने वाली है, तो मुझे भी जल्दी से इसी के नीचे चल के छुप जाना चाहिए। यहाँ पर ब्रिज के नीचे तो वो मुझे किसी कीमत पे नहीं देख पाएंगे। लेट्स गो, थोड़ा सा और आगे चलते हैं और यहीं पर रुक जाते हैं जब तक ट्रेन नहीं आती। यहीं पर खड़े होकर मैं ट्रेन का वेट करने वाला हूँ। तो चलो यार, फिलहाल पूरे के पूरे 2 घंटे वेट करने के बाद ट्रेन यहाँ पर आ चुकी है। मैंने अपने वेपन्स बाहर निकाल लिए हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा आराम आराम से फुल शांति बना के यहाँ से ऊपर चलना होगा। और ये भाई साहब, बंदा यहीं पर खड़ा हुआ था, उसने मुझे बाहर निकलते ही देख लिया है। और अब तक तो शायद सबको मालूम पड़ गया होगा कि मैं किस साइड से आने वाला हूँ। भाई, इनके पास सच्ची में बहुत ज़्यादा तगड़े वेपन्स हैं और उन्होंने मेरे को मारना स्टार्ट ना भी। खैर, मार तो नहीं पाए हैं, पीछे से चलती रही, कितनी ज़्यादा दूर था। बट हम लोगों ने अपनी ये डेजर्ट ईगल से नहीं, इसको गोल्डन कट्टा बोलते थे ना, अपना कट्टे से हमने इसे उड़ा डाला है। बाकी वेट, कौन मार रहा है? यहाँ पर शायद से 1-2 लोग ही बचे हैं, बट मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। रुक जाओ, इस तरफ में है ना, इधर है तेरी। निकल भाई, भाग के जा रहा था पीछे छुपने के लिए, बट उससे पहले मैंने इसका सेरी फोड़ डाला। लेट्स गो, जल्दी से चलते हैं अंदर। और ये रहा इसके पास बढ़िया वाली गन्स, यही सारे वेपन्स आज हमें मिलने वाले हैं। ये तो काफी ज्यादा हैवी है भाई, ये बिल्कुल M249 या फिर उससे ऊपर का ही कोई वेपन है। फिलहाल अभी मुझे इस कंटेनर को कट करके ओपन करना है। लेट्स गो, ये हो गया कट और ये हो चुका है कंटेनर ओपन। अब चलते हैं जल्दी से इसके अंदर। पता नहीं यार आखिर कौन कौन से वेपन्स मुझे इसके अंदर से मिलने वाले हैं। खैर, कोई ज्यादा खास वेपन्स नहीं है जो मेरे हाथ में है ना, इसी की पूरी 3 पेटियां है। बाकी यहाँ पर ये गोल्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं क्या? तो गाइस, अभी मैंने खूब सारी गन्स उठा के अपने बैकपैक में डाल दिया है और यहाँ पर जितना भी गोल्ड था ना, वो भी मैंने सारा अपने बैग में भर लिया है। फिलहाल अभी मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। बट वेट, ये पुलिस को कैसे मालूम पड़ गया भाई? और वो लोग अपना हेलीकॉप्टर लेकर भी यहाँ पर आ चुके हैं। बट मैं इन्हें नहीं छोड़ने वाला, मेरे पास ये बहुत ज्यादा खतरनाक वेपन है। बट सामने बहुत ज्यादा खतरनाक हेलीकॉप्टर, एक नहीं, दो तीन हेलीकॉप्टर यहाँ पर आ गए। मुझे अभी फटाफट यहाँ से निकलना होगा। मेरी बाइक सामने खड़ी है, मैं खाली पीली नहीं लड़ने वाला। मैं चुपचाप से यहाँ से भाग सकता हूँ, अगर मैंने इनसे लड़ने की कोशिश करी तो बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे को अपनी बाइक भगानी है क्योंकि मैं चाहता हूँ ये लोग मेरा फेस भी ना देखें। भाई, आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इससे। लेट्स गो, हटा हुए गाड़ी आगे से। आगे चला रहा था, गोली मार के साइड कर दिया है। यार, उधर से पुलिस आ रही है, नीचे अजीब सा रास्ता है, मैं कहाँ को जाऊँगा? मुझे सच्ची में कोई आइडिया नहीं है। सामने भी गाड़ियाँ आ चुकी है। वेट, मैं बहुत गलत रास्ते पे आ चुका हूँ, मुझे मेन हाईवे पकड़ना चाहिए, वहाँ पर मैं अपनी बाइक बहुत तेज चला सकता हूँ। ऊपर ट्रेन जा रही है और नहीं यार, ये कहाँ लेकर आ चुका हूँ मैं अपनी बाइक? लेट्स गो, तो अभी ना मैं जैसे तैसे करके अपनी बाइक को हाईवे पर लेकर पहुँच चुका हूँ और यहाँ का रास्ता पूरा क्लियर है। अब बस इसे फटाफट से भगा लेते हैं लॉस सैंटोस के लिए, क्योंकि अगर मैं एक बारी वहाँ पहुँच गया तो फिर हम लोग इजीली एस्केप कर जाएंगे पुलिस से। ऑलराइट गाइस, तो इस टाइम मेरी बाइक बहुत ज्यादा तेज स्पीड में चल रही है और मैं इसे लेके लॉस सैंटोस पहुंचने वाला हूं। पीछे अब जो भी बंदा आ रहा है ना, चल तेरी भाई, 2 से 3 बंदों के शॉटगन का हेडशॉट बजा डाला है ये बिगा। और भाई साहब, क्या निकाली है मैंने, बिल्कुल अचानक से उनका ट्रक मेरे सामने आ गया था। बट ठीक है, वापस से अपनी बाइक की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि वहां पे ब्रेक मारने के चक्कर में स्पीड बहुत कम हो गई थी। हाईवे पे चलाऊंगा तो नहीं यार, मैं बाकी रास्तों पे चलाऊंगा तो पक्का एक्सीडेंट होने के भी तो चांस है ना। फिर बाकी मुझे ना अभी कोई एक बढ़िया सा रास्ता ढूंढना पड़ेगा यहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि यार हाईवे पे मैं तो तेज़ जा रहा हूँ बट ये पुलिस वाले भी यार उतनी तेज़ मेरा पीछा कर रहे हैं। सामने की तरफ में मुझे एक मस्त जगह मिल चुकी है जहाँ से भाई मुझे वहाँ से निकलना था, बट इसने गाड़ी मोड़ने नहीं दी मेरे को। ठीक है, अभी आगे मेरे को एक जगह और मिल गई है जो मैं करना चाहता हूँ, वो यहाँ पर से पॉसिबल हो जाएगा। 3-2-1 लेट्स गो। तो ये मैं अपनी बाइक नहीं, गलत जगह ले आया यार, मुझे इधर नहीं बाहर जाना था। हटो बे, मैं मुंह फोड़ दूंगा तुम्हारा। यहाँ से मुड़ो भाई, गलत जगह चला गया। तो सच्ची में अगर दीवार में जाके अपनी बाइक ठुकती ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। खैर ठीक है, ये गलत ले आया यार, इतना चौड़ा रोड होने के बाद भी मैं अपनी बाइक को इन गलियों में क्यों चला रहा हूँ? प्लीज़, ये गली आगे बच गए, गली आगे कहीं पर भी बंद नहीं है। बट सामने लेट्स गो, ये मिलिट्री हेलीकॉप्टर नहीं है ना, प्लीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। पता चला मैं जा रहा हूँ फुल मजे में और ये मेरे ऊपर से बरसा दे गोलियाँ। ठीक है, अपनी बाइक को भी यहाँ से उतारते हैं। ये वाला रास्ता पूरा क्लियर है बट हेलीकॉप्टर को बहुत अच्छा व्यू मिल जाएगा हमें मारने के लिए। तो मुझे भाई यहाँ से कोई ढंग का रास्ता ही ढूंढना पड़ेगा। हाईवे पे जा रहा हूँ मैं वापस,
बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली जगह है यार ये भाई, कहाँ जाऊँ मैं, पूरा फंस चुका हूँ इस टाइम सच्ची में। ओ भाई बाइक का आगे वाला टायर गया यार, ये बहुत ज्यादा गलत हो चुका अपने साथ। काफी सही चल रहे थे हम लोग, बट इन्होंने बाइक का आगे वाला टायर ही पंचर कर दिया है। टायर पंचर होते ही टायर पूरा गायब हो गया भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा अभी मैं कहाँ जा सकता हूँ यहाँ से। प्लीज कोई तो रास्ता होगा मेरे बचने के। गए अभी अपनी बैंड बजी, प्लीज 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 चढ़ जाइए। ओ चढ़ गई, धीरे धीरे चढ़ रही है यार, पूरा टायर खत्म हो गया। एक होता है ना जो रबड़ होती है टायर की, वो भी जा चुकी है घिस के। और अभी मैं गया भाई सच्ची में, ये मेरे को बहुत बुरी तरह अरेस्ट करेंगे, हो सकता है एनकाउंटर ही कर डालें यहाँ पर। बट नहीं, हम लोग इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे अपने। मेरे को बस एक 5 मिनट मिल जाए लेस्टर को कॉल करने के लिए, वो मेरे को बचा लेगा, मुझे अच्छे से मालूम है। नहीं यार, ओ भाई ऊपर से हेलीकॉप्टर, मुझे वेट, बच जाऊंगा। अभी ना मुझे यहाँ पर पुलिस देख पाएगी, ना मुझे यहाँ पर हेलीकॉप्टर देख पाएगा, और मैं काफ़ी ज़्यादा सेफ हूँ। बट मैं घुमा फिरा के वापस वहीं जा रहा हूँ। ये सीढ़ियाँ कहाँ ले जा रही है मुझे यार, यहाँ पर कोई गाड़ी वाड़ी है क्या आगे? प्लीज़ यार, ऐसे खुला भागूंगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कोई गाड़ी मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। अगर मुझे गाड़ी चाहिए तो मुझे 3 मंजिल ऊपर से कूदना पड़ेगा, और मेरे पास पैराशूट भी नहीं है। और पैराशूट होता भी तो यार इतनी जल्दी वो खुलता नहीं, उसको भी खुलने के लिए टाइम चाहिए होता 2-3 सेकंड का। और कूदूंगा तो 2 सेकंड, खैर अभी मैं नीचे आ चुका हूँ, ड्रामेबाजी कम करनी है। अब बस मुझे एक हो, सामने से गाड़ी आ रही पुलिस की। नहीं 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 नहीं, मैं हुई नहीं यहाँ पे, वेट तेरी मैं इसकी टांग। अब मार भाई, सब भर के आ रखे हैं इसमें बंदे। फाइनली गाड़ी मिल चुकी है, जल्दी गाड़ी में बैठते हैं। और भाई साहब, एक गाड़ी में 4-4 बंदे भरे पड़े हैं, मुझे लग रहा था 2 होंगे। क्या ठीक है, गाड़ी मिल चुकी है, और फटाफट हम लोग यहाँ से एस्केप करते हैं। बट सामने भी इन्होंने रास्ता घेरा हुआ है, बट मैं निकाल लूँगा। अभी मेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत है क्योंकि इन्होंने मेरी गाड़ी का टायर पंचर कर दिया भाई। अभी ये ढंग से कंट्रोल नहीं होने वाले, गलत ही सीन हो रहा है यार आज अपने साथ। कितनी देर से ये लोग मुझे चेस कर रहे हैं, और पीछे एक और टायर ओ तेरी, 2 से 3 टायर पंचर कर दिए शायद यार। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी गाड़ी के, ये देखो आगे वाला तो टायर ही चला गया, अभी बस पंचर हुआ था, अब दोनों टायर चले गए। खैर ठीक है, अपनी गाड़ी बस 2 टायर पे चल रही है। राइट अच्छे से मुड़ जाएगी, बट लेफ्ट नहीं मुड़ने वाली क्योंकि लेफ्ट साइड की बैंड बच चुकी है। फटाफट से मैं लेस्टर को कॉल करता हूँ अपना। नहीं लेस्टर भाई, जल्दी से बस फोन उठा ले, अपना काम आसान कर जाएगा भाई तू। तो गाइस अभी मेरी फिलहाल लेस्टर से कॉल पे बात हो चुकी है, और उसने मुझे एक जगह बताई है मस्त छुपने के लिए। बट एक बारी आप लोग गाड़ी के नीचे देखो भाई, पेट्रोल लीक हो रहा है, थोड़ी देर में ये गाड़ी चलना बंद हो जाएगी। उससे पहले मैं खुद इस गाड़ी से उतर जाता हूँ। पीछे की तरफ में 2 लोग आए, पैंस की टांग, गाड़ी छोड़ो ये वाली, लेट्स गो। अभी एक मस्त गाड़ी गई, तो एक मस्त गाड़ी मिल चुकी है, जल्दी से ना इसको लेकर मैं छुपा देता हूँ इस गाड़ी को। लेस्टर ने मुझे कहा था कि अगर कोई पुलिस वालों की गाड़ी है तो उसमें भी हम लोग GPS वगैरह ऑफ करके कहीं पर छुप सकते हैं। बाय चांस अगर हमें पुलिस देखने भी आई तो उसको लगेगा यहाँ पर तो पुलिस की गाड़ी खड़ी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और हम लोग इजीली एस्केप कर जाएंगे। खैर अभी मैंने अपनी गाड़ी को यहाँ पर लाकर छुपा दिया है, बस कोई यहाँ पर आए ना अब हमें ढूंढने के लिए। ऑल राइट गाइस, तो अभी मैं पिछले 1 घंटे से इसी जगह पर छुपा हुआ हूँ, बट पुलिस जो है यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही। उन्हें अच्छे से मालूम है कि उनका टारगेट यहीं पर छुपा हुआ है। खैर पहले यार इसको गाड़ी से बाहर निकालो, पता चला इसको होश आ जाए और ये पिस्टल निकाल के हमें ही ठोक डाले। तो लेस्टर ने भी मुझे बोला ज़्यादा देर तक वहाँ पर मत रहो, बाय चांस अगर उन्होंने वो टीम बुला ली चेकिंग के लिए या फिर एरिया पूरा ब्लॉक कर दिया तो हम लोग फंस जाएंगे। अभी इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम लोग पुलिस की गाड़ी में हैं, चाहे तो जल्दी से भगा के एस्केप कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस की गाड़ी पे यार पुलिस का ध्यान इतनी जल्दी नहीं जाएगा। ऊपर का रास्ता मुझे काफ़ी क्लियर दिख रहा है, कोई भी गाड़ी नहीं है, मुझे सीधा भगा लेना चाहिए। 3, 2, 1 एंड लेट्स गो। गई गाड़ी अपनी, और नहीं इतनी तेज़ भी नहीं जाने वाला था जितना मैंने आवाज़ें निकाल दी, बट हाँ रास्ता क्लियर है। ओके भाई, वेट, नहीं, जा, ओके बच गए भाई। ये लोग यहाँ पर हैं तो शायद से उसने मुझे देख लिया है, बट वो डाउट में ही होगा बेचारा कि आखिर ये कौन चला गया बगल से, मालूम ही नहीं पड़ा अंदर कौन था। लेट्स गो, अभी मैं यहाँ से एस्केप कर चुका हूँ, और फटाफट से मुझे किसी एक बढ़िया सी पार्किंग, किसी गैराज में जाके छुपना चाहिए। नियरली तो मुझे एक यही बड़ी सी पार्किंग नजर आ रही है, फटाफट से अपनी गाड़ी को लेकर इसी के अंदर चलते हैं। अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने लिए एक 5-स्टार पार्किंग ढूंढूं, फिर वहां पे जाके अपनी गाड़ी को लेकर छुपूं। चुपचाप अभी सीधा टॉप फ्लोर पे चल के बैठते हैं। क्या यार, कैसा टाइम आ चुका है, वेपन्स लेने के लिए इतना ज्यादा झमेला पालना पड़ रहा है। कसम से ये डगन बॉस ने ना पूरा गलत ही सीन कर दिया लॉस सैंटोस का। बट हाँ,
फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सेफ हूँ, मींस अभी मैं थोड़ा बहुत सेफ फील कर सकता हूँ, बट मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मैं यहाँ से नहीं निकलने वाला। तो भाई अभी वेट करते करते शाम बीत चुकी है और रात होने को आ गई है, शायद से अभी मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। बाहर मामला मुझे बिल्कुल शांत लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई भी पुलिस यहाँ पर ढूंढ रही होगी फिलहाल। हाँ अभी मैं पुलिस की गाड़ी से नीचे चलता हूँ, उसके बाद नीचे जाकर मैं कैब बुक कर लूँगा और सीधा मैं जाने वाला हूँ अभी। ओ वेट भाई, अभी मैं बहुत बुरी तरह ठुकता। हाँ तो अभी मैं यहाँ से सीधा जाने वाला हूँ अपनी रॉल्स रॉयस के पास, जहाँ पे मैंने लास्ट टाइम खड़ी करी थी, उसके बाद उसको लेके जाएंगे कुछ ढंग के कपड़े खरीदने। कपड़े काफी ज्यादा गंदे हो चुके हैं, इसमें बहुत ब्लड लग गया है। लेट्स गो गाइस। तो अभी मैं अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से बाहर आ चुका हूँ, बस 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 और बाहर नहीं जाना। अब अपनी इस गाड़ी को यहीं पर छोड़ देते हैं। मेरा मन तो कर रहा है मैं ब्लास्ट कर दूं, बट इतनी भी ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जीपीएस वगैरह सब लेस्टर हैंडल कर लेगा। अभी फटाफट से कॉल करते हैं किसी कैब को, आसपास अगर मिल जाएगी तो ज़्यादा बड़े। और ये देखो भाई अभी हटाई और पुलिस आ गई है सामने से, पर अभी इतनी कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं है। आजा भाई कैब प्लीज़ जल्दी कोई आसपास। ओके ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैंने कैब बुक कर दिया 5-10 मिनट। उतरी सामने से एक आ तो गई है, हेलो आजा। ओके आगे आगे, ओ तेरी, उसको ठोक भी दिया किसी बंदे ने, बट ठीक है अभी हमें गाड़ी मिल चुकी है। अभी जल्दी से चलते हैं वहीं पर जहाँ पर हमारी गाड़ी पार्क थी, रोल्स रॉयस। चलो अभी मैंने इसको रास्ता बता दिया है मैप में वे पॉइंट मार्क करके, और अभी मुझे जल्दी से जल्दी वहां पर लेकर पहुंचने वाला है। ऑल राइट, तो अभी इसने मुझे मेरी फाइनल डेस्टिनेशन पे छोड़ दिया है। बाकी बेचारा कह रहा होगा यार कैसा आदमी था, एकदम मस्त कपड़े वपड़े पहन कर आया था, पर अजीब सी लोकेशन पर ही आया, उसको मैं रेलवे ट्रैक पर से चलवाता लाया हूँ, बट ठीक है जो भी हो। अभी फटाफट से चल के हम लोग बैठते हैं अपनी गाड़ी में, और अभी मैं जाने वाला हूँ एक बढ़िया सा सूट खरीदने के लिए। ब्लैक कलर का कोट पैंट मैंने प्लान कर रखा है, तभी तो फुल माफिया वाली बातचीत आने वाली है ऐसे थोड़ी। वेट वेट, वो सब ठीक है, गाड़ी कहाँ से बाहर निकलेगी अपनी, यहाँ जगह है ना, प्लीज़। ओके लेट्स गो, यहाँ से गाड़ी मैंने जैसे जैसे करके बाहर निकाल दिया है। रात होने को आ गई है काफ़ी ज़्यादा, बट आगे के रास्ते बंद है। मुझे लग रहा है ना जिस रास्ते से वो टैक्सी वाला गया है ना, उसी रास्ते से भी मुझे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने के भी रास्ते हैं बट कोई ढंग का रास्ता नहीं है। कहाँ हम लोग इस गाड़ी को दिन में एकदम बढ़िया बढ़िया जगह पर चला रहे थे, और अभी शाम होते होते पूरी गाड़ी गंदी कर दी है, अजीब अजीब रोड पे चला के, कभी पटरी पे चल रही है, कभी कीचड़ में चल रही है, वो सब ठीक है। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि यार पार्टी का टाइम था 6 PM और अभी 7 बजने वाले हैं, तो हमारी पार्टी हमारे घर में ही और हम ही लेट हो गए हैं, जल्दी पहुंचना होगा यार। ओके तो फाइनली मैं अपनी गाड़ी लेकर एक बढ़िया सा सूट खरीदने कपड़ों की शॉप पे पहुंच चुका हूं। जल्दी से साइड में पार्क करते हैं, भाई टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी सब करना होगा, गाड़ी आराम से बाद में पार्क कर लेंगे, अभी जल्दी से चलते हैं अंदर। फिलहाल ये जो बैग में जितने वेपन्स हैं मैं अपने पास रख लेता हूं, और इस बैग को भी पैक करके अपनी गाड़ी में ही डाल देते हैं। ब्लैक सूट राइट साइड में होगा, जल्दी से चल के, ये टक्सीडो है, ये काफी ज्यादा सही लग रहा है, मैंने यहीं से इसे ढूंढ लिया और यही मुझे चाहिए। वेट, मैं पहले सोच के तो यही आया था, बट अभी मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ कि मेरे पास दो ऑप्शन है ब्लैक में, एक ये है और एक ये है, मेरे हिसाब से ये वाला ज्यादा बेटर है। ओके तो सूट तो एकदम मस्त हो चुका है, अब बस ना बढ़िया से गॉगल्स अगर अवेलेबल हो तो मजे आ जाएंगे। मुझे लग नहीं रहा यहाँ पर शायद से कि कोई भी ग्लासेस अवेलेबल हैं। यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जल्दबाजी में एक गलत ऑप्शन चूज कर लिया है, यहाँ पर और भी बढ़िया बढ़िया 3-4 सूट हैं, इसे ट्राई करते हैं। ये देखो यार कितना बढ़िया है, ये व्हाइट वाला भी प्यारा लग रहा है, बट अगर ये वाला ब्लैक लिया जाए तो सबसे बेटर रहेगा। चलो यार सब कुछ हो गया, अभी फटाफट हम लोग यहाँ से निकलते हैं और सीधा चलते हैं पार्टी में, क्योंकि मैं और लेट नहीं होना चाहता किसी भी कीमत पे। जल्दी से चल के बैठते हैं गाड़ी में, लेट्स गो। भाई साहब क्या बात हो गई, पूरा का पूरा लॉस सैंटोस आज के दिन मुझे खाली नजर आ रहा है। तो चलो गाइस अभी मैं अपनी गाड़ी लेकर अपने नए वाले घर पे पहुंच चुका हूँ, फटाफट से इसको यहाँ से लेफ्ट मोड़ते हैं। बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार इतनी बड़ी डेकोरेशन टीम यहाँ पर आई थी, पर अपना घर बिल्कुल भी सजा हुआ नहीं है यार, ये क्या सीन है मेरे को समझ नहीं आ रहा। ओ वेट, सामने की तरफ में देखो वहाँ पर एकदम मस्त पटाखे जल रहे हैं। ओ हमने डेकोरेशन का काम लेस्टर को दे दिया था, इसीलिए उसने पूरे डेकोरेशन घर के गार्डन में करवा दिया। खैर ठीक है, पार्टी करने का असली मजा यार घर के बाहर आने वाला है, ऐसे कमरों में थोड़ी। तो जल्दी से अपनी गाड़ी को अभी घर की फ्रंट साइड पर लेकर चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार कौन कौन यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि अंदर से बहुत तेज गानों की आवाज आ रही है। लेट्स गो, मजा आने वाला है भाई आज इस पार्टी में। ये फर्स्ट पार्टी होगी जिसमें मैंने इतने सारे लोगों को बुलाया, भाई कितनी सारी गाड़ियां यहाँ पर आ रखी है, राइट में भी लेफ्ट में भी, पार्किंग थी इस घर में, बेचारे घर के बाहर गाड़ियां पार्क कर रहे हैं, बट ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग भी अपनी गाड़ी को जल्दी से यहीं पर खड़े करते हैं। गाइस मेरे हिसाब से जितने गेस्ट को मैंने बुलाया था ना वो सारे के सारे यहाँ पर पहुंच चुके हैं, मैं ही सबसे ज्यादा लेट हो गया,
फिलहाल अभी जल्दी से चलते हैं अंदर। ओ भाई यहाँ पर तो स्पेशल डांसर्स बुलाए गए हैं और डीजे भी काफी ज्यादा बढ़िया लगा हुआ है, बट अभी इन लोग को डांस करने देते हैं, पहले सबसे मिल लेते हैं उसके बाद हम लोग यहाँ पर डांस करेंगे। और लो भाई आते ही हमें लेस्टर मिल चुका है और लेस्टर के फ्रेंड्स मिल चुके हैं हैकर, ये लोग अपना अलग ही ग्रुप बनाकर यहाँ पर बातें कर रहे हैं। तो चलो यार अभी लेस्टर और उसके दोस्तों से मिलने हैं, अभी फटाफट से चलते हैं बाकी लोगों से मिलने के लिए। सामने की तरफ में शायद से बिग माफिया का भाई भी, लेट्स गो। मैंने वैसे हर एक बंदे को इनवाइट करा था बट मुझे आइडिया नहीं था कि ये आने वाला है, मेरे को लग रहा था इसके और भी बड़े प्लान्स होंगे आज के दिन, बट ये आया भाई टाइम निकाल के। हेलो ब्रो व्हाट्स अप, ये छोड़ो भाई राइट साइड में अपना लिबर्टी वाला फ्रेंड भी आया है और साथ में अपना पुराना दोस्त आया जिसको हमने कॉनी से गगेरा कार बेची थी, तो इनसे भी मिल लेते हैं थोड़ी देर, बातचीत करेंगे बाकी अच्छे से बाद में। तो चलो यार अभी मेरी इनसे भी हाय हेलो हो चुकी है, बाकी पहले सभी लोगों से मिल लेते हैं फिर उसके बाद फुल मौज मस्ती करने वाले हैं। खैर वो सब ठीक है, एक बार आप लोग सामने की तरफ में देखो कि इन लोगों ने अपना घर कितना ज्यादा बढ़िया तरीके से डेकोरेट करा है, सामने क्या बढ़िया लग रहा है वो 2022 लिखा हुआ, लेट्स गो। खैर सब ठीक है, यहाँ पर अपने सारे डोन बैठे हुए हैं, उस तरफ में हैकर्स का अलग ग्रुप बना हुआ है, इधर सारे डांसर्स हैं, फोटोग्राफ्स वगैरह खींच रही है, बट ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार माइकल की फैमिली कहाँ है यार, उन्हें भी इन्वाइट करा था क्या। ओ नहीं सामने जिमी है तो इसको मैंने नोटिस ही नहीं करा, ये यहीं पर खड़ा हुआ है, ये कभी पतला नहीं होने वाला भाई, मतलब भर के साइकिल चलाएगा फिर भर के फास्ट फूड भी खाएगा तो कहाँ से ही पतला होगा। खैर मैं इन्हें इधर उधर ढूंढता फिर रहा हूँ और माइकल की फैमिली यहाँ पर है, लेट्स गो जल्दी से इन लोग से भी मिलते हैं फिर चलते हैं अपने बाकी दोस्तों से मिलने के लिए। ओके गाइस तो अभी इन लोगों से भी मिलनी है और एक मस्त फैमिली फोटो भी हो चुका है। खैर आज अगर देखा जाए ना तो मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, या तो बहुत जोरों की बारिश या फिर स्नोफॉल आज भाई कसम से पक्का होने वाली है। फिलहाल अभी बहुत फोटोज खिंचवा ली, चलते हैं एक वीआईपी गेस्ट से मिलने के लिए जिसको यार मैंने इतनी देर से नोटिस ही नहीं करा था, अगर नोटिस करा तो सबसे पहले मैं इसी से मिलने चाहता। शायद से आप लोग इन्हें पहचान गए होंगे, ये हैं अपने मूवी प्रोड्यूसर मिस्टर सोलोमन रिचर्ड्स, जिनके साथ जो हमने मूवी करी थी वो रिलीज नहीं हो पाई, बाकी उनके साथ में है सोलो मैन, दोनों के नाम काफी सिमिलर है बट ये म्यूजिक प्रोड्यूसर है एंड ये मूवी प्रोड्यूसर है, तो जल्दी से इनसे भी अपनी बातचीत करते हैं और फिर चलते हैं और लोगों से मिलने। ऑल राइट गाइस तो अभी मेरी सोलोमन रिचर्ड से बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि तुम्हारा ये इतना बड़ा घर है बट इस घर में एक हेलीपैड तक नहीं है। खैर बात बिल्कुल ठीक कह रहा है, हेलीकॉप्टर से आया होगा और बेचारे को यहाँ पर नीचे गार्डन में पार्क करना मींस लैंड कराना पड़ा। खैर अभी मैं आप लोग को जो चीज दिखाने जा रहा हूँ उसको देख के आप लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज होने वाले हो। तो यहाँ पर अपनी ये सारी की सारी गाड़ियां हैं जो कि मैंने लमार से मंगवा ली थी, बट मैंने इसे कहा था अपनी बढ़िया बढ़िया कार्स लाई और ये सारी की सारी कार्स यहाँ पर लेकर आ चुका है। खैर सारी ही बढ़िया है ये। वेट यहाँ पर तो बेनी एंड सिमोन भी है, इनसे भी मिल लेते हैं भाई, ये तीनों लोग यहाँ पे अपना मस्ती कर रहे हैं, इनसे भी मैंने बातचीत कर लिया है। बाकी यार ये अपनी लंबोर्गिनी उरुस का क्या हाल कर दिया भाई लमार ने, मुझे समझ नहीं आ रहा, शायद से रेस वेस करने लग गया इस गाड़ी को लेकर। बाकी पीछे अपनी फरारी है, ये अपनी मर्सिडीज एएमजी कौन सी थी मैं तो उसका मॉडल भी भूल गया, खैर छोड़ो, ये अपनी हार्ले डेविडसन लंबोर्गिनी सियान, पीछे वो माफिया वाली कार जो लिबर्टी वाले फ्रेंड को देख कर हमने बनवाई थी, और ये रही अपनी जी वैगन। बट ठीक है यार जो भी है, एक चीज मेरे को थोड़ी सी ना अजीब लग रही है, वीआईपी पार्टी में यार भीड़ नहीं रहती ना तो एक पार्टी वाली फील आती नहीं है। नेक्स्ट टाइम पार्टी करेंगे ना तो पार्टी पब्लिक पार्टी होगी, बाहर का हर एक बंदा आएगा, मतलब इनवाइटेड नहीं होगी, जिसको आना है आओ, बट उसमें रिस्क है अगर बाय चांस कोई गलत बंदा घुस आया हमें मारने की साजिश से तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पब्लिक पार्टी के लिए पब्लिक सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा चाहिए होगी यार। खैर अभी चलकर जल्दी से खूब मस्ती करते हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोग को कहा था कि आज के दिन बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, अभी लिटरली हर एक बंदा यहाँ पर स्टेज पे डांस करने के लिए आ गया है, पीछे लिबर्टी वाला फ्रेंड है, बिग माफिया का भाई तक डांस कर रहा है, बेनी लेमार सिमोन, इधर माइकल की फैमिली, लेफ्ट में लेस्टर, बट हाँ वो बात अलग है, सिमोन घर चला गया है और अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड इस पार्टी में ही नहीं है, ट्रेवर एंड फ्रैंकलिन, बट हम और कुछ कर भी नहीं सकते, फिलहाल अभी इंजॉय करते हैं, काफी ज्यादा रात हो चुकी है, 3 बज रहे हैं और स्नोफॉल हो रहा है और ये पार्टी अभी सुबह तक चलने वाली है, लेट्स गो। ऑल राइट तो अभी फिलहाल मैं सोकर उठ चुका हूँ, सभी लोग अपने अपने घर जा चुके हैं, खैर वो लोग तो सुबह 8 बजे चले गए थे और अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। मैं यहीं पर सो गया था अपना पार्टी डांस करने के बाद क्योंकि काफी सही धूप निकल रही थी, बट अभी अचानक से स्नो तो गिरने लग गई है दिन के टाइम पे,
प्लस बहुत तेज हवा भी चलने लग गई है, तो मेरी तबीयत ना खराब हो जाए इसलिए चुपचाप से अपने घर में ही चल के सोते हैं। माइकल की फैमिली भी अभी घर में ही जा चुकी है शायद। वैसे यार आज पार्टी करके सच्ची में काफी ज्यादा मजा आया, और उससे भी ज्यादा खुशी की बात ये थी कि जिन जिन लोगों को हमने बुलाया है हर एक बंदा यहाँ पर इस पार्टी को अटेंड करने के लिए आया था। खैर पता नहीं वो लोग माइकल के डर से आए थे या फिर किस लिए आए थे, बट हाँ जो भी है आए थे इसलिए मजा आया। बाकी यार अब इतना बड़ा घर है तो यहाँ पर ना सिक्योरिटी गार्ड्स भी हमें चाहिए होंगे, बाय चांस घर में कोई चोरी ना हो जाए या फिर कोई छुप के ना बैठा रहे हमें मारने के लिए, तो उन सब के लिए मुझे इस पूरे घर में मस्त सिक्योरिटी लगवानी पड़ेगी। फिलहाल यहाँ पर मुझे माइकल की फैमिली कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही है। एक बार में तो इतना बड़ा घर है यार, ढूंढने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। हॉल में चेक कर लेता हूँ, नहीं यहाँ पर भी कोई टीवी नहीं दिख रहा है। हाँ शायद थक गए होंगे तो सब लोग अभी सोने के लिए गए होंगे। चल के एक बारी देखता हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे। भाई सच्ची बता रहा हूँ इस घर में ना सीसीटीवी कैमरास की भी बहुत ज्यादा जरूरत है यार। नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा घर छान मारा, बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि आखिरकार ये माइकल की फैमिली गई कहाँ पे। मीन्स ना अमांडा नजर आ रही है, ना ट्रेसी, ना जिमी, कोई भी मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। खैर एक बारी मैं घर की बैक साइड में चल के देखता हूँ, वहां पर टेनिस कोर्ट है, क्या पता टेनिस खेलने चले गए हों सारे के सारे। फटाफट से भी चलते हैं बैक साइड पे, मेरा भी काफी ज्यादा टेनिस खेलने का मन कर रहा है। बट वेट, मुझे मालूम था ऐसा कुछ होने वाला है भाई। ट्रेवर और बाज आ जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता भाई, ये मेरे हाथ से नहीं बचने वाला। आज मैं कसम से इसको फोड़ डालूंगा चाहे यहाँ पर कोई भी आ जाए। इसने भी यहाँ पर आकर पूरी की पूरी माइकल की फैमिली को किडनैप कर लिया है और पूरे गार्ड्स लेकर आया है भाई यहाँ पर हमें मारने के लिए। मैं चाहूँ तो उसको भी 2 सेकंड के अंदर उड़ा सकता हूँ, बट बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये अमांडा को मार डालेगा, इसके गार्ड्स, खैर इसके गार्ड्स नहीं, ये डगन की बॉडी गार्ड्स हैं, वो जिमी को मार डालेंगे और ट्रेसी को भी मार डालेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये चाहता क्या है। अगर ये मारना चाहता तो अभी तक मार चुका होता। इसका पूरा कुछ अलग ही मोटिव है, बता भाई क्या करना चाहता। रुक जा गाइस, अभी मेरी ट्रैवल से बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि तुम अगर अपनी फैमिली को सही सलामत देखना चाहते हो तो 5 मिनट के अंदर जहां पर भी तुमने अंडरवाटर माफिया और फ्रैंकलिन को छुपा के रखा है उन्हें लाके हमारे हवाले कर दो। खैर मुझे अभी इसका ये काम करना ही होगा, तभी मैंने इसके मत्थे से भी एम हटा लिया है। यार कसम से ट्रेवर ने ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा वाला धोखा दे दिया। माइकल की फैमिली वापस आई थी बट आते ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है। बट हाँ उनको बचाने के लिए अभी मुझे इन दोनों को छोड़ना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। फटाफट से चलते हैं यार नीचे वहाँ केज में, जल्दी से उसे ओपन करके उन दोनों लोग को वहाँ से निकाल देते हैं। काश यार यहाँ पर लेस्टर होता, मैं चाहता तो हूँ लेस्टर को कॉल करके सब कुछ बता दूँ, बट अगर अभी ये बात मैंने लेस्टर को बताने की कोशिश करी और ट्रेवर के किसी एक गार्ड को भी मालूम पड़ जाए तो भाई माइकल की फैमिली की जान खतरे में, बहुत कुछ गलत हो सकता है। फिलहाल अभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, फ्रैंकलिन भी यहाँ पर बैठा हुआ और वो तो भाई अपना पुशअप्स करने में मस्त है। गेट खोल देता हूँ और इनको बोलता हूँ कि चलो भाई इनके चलने का टाइम हो गया, लेट्स गो। भाई साहब दोनों भागते हुए ऊपर गए हैं जैसे इन्हें मालूम पड़ा है कि ट्रेवर इन्हें लेने आ चुका है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इन लोग को सब कुछ मालूम था कि ट्रेवर इन्हें सही में बचाने यहाँ पर आएगा। खैर छोड़ो जो भी है, अभी काफी ज्यादा बुरा हुआ यार, इस टाइम अपने सबसे बड़े दोस्त ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। खैर छोड़ो जो भी है, अभी जल्दी से मैं ट्रेवर के पास चलता हूँ और उसको बोलता हूँ कि भाई अब चुपचाप से फैमिली को भी भाई छोड़ दे, क्योंकि अभी इसके बंदों को तो मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, अभी यहाँ पर इसको फैमिली को छोड़ना भाई बनता है यार। तो अभी ये लोग बहुत ज्यादा डर चुके हैं, काफी ज्यादा परेशान है और कह रहे हैं कि अगर ऐसे चलता रहा तो ये लोग इस घर में बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले, और अगर ऐसा कुछ दोबारा हुआ भी तो ये लोग परमानेंटली यहाँ से चले जाएंगे। यार अभी ना मुझे लेस्टर को कॉल करना चाहिए और सब कुछ बताना चाहिए। भाई क्या यार, ट्रेवर सबको लेकर अभी यहाँ से चला गया है, मेरे को समझ नहीं आया। ट्रेवर हमें मारना तो नहीं चाहता था, उसने बस ये मुझे डराने के लिए करा। अगर उसे मारना होता तो उस टाइम मैं वहाँ सो रहा था, वो मुझे तभी मार सकता था, बट उसने पहले पूरी फैमिली को किडनैप करा डराने के लिए, फिर उसके बाद इन दोनों को छुड़वा लिया। पक्का उसका कोई ना कोई बहुत ज़्यादा बड़ा प्लान है। बट हाँ मुझे इतना मालूम है कि हमें मारने के लिए नहीं है ट्रेवर, मुझे तो नहीं मारना चाहेगा, बट जहाँ तक है कुछ पता नहीं यार। अभी सारी बातें हमें लेस्टर से ही मालूम पड़ने वाली है, जल्दी से लेस्टर को कॉल करते हैं और देखते हैं क्या सीन है।
बाकी यार आज के इस वाली वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जाके जरूर लाइक करना, चैनल भी नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और वेट, लास्ट वाली वीडियो पे आप लोगों ने लाइक गोल जल्दी से कंप्लीट कर दिया था, तो इस बार भी लाइक गोल कंप्लीट करना है। एंड लाइक एम है 1.5 मिलियन लाइक का, तो जल्दी से जाके सभी लोग लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। एंड कमेंट्स में जाके जरूर बताना यार वीडियो कैसा लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।